हेलो, हाँ पहुँच गए? हाँ, अभी तक वो स्कूल से नहीं आई। कहाँ हो तुम? हाँ मैं जस्ट अभी ऑन द वे हूँ, घर पहुँच जाऊंगी। अरे यार, गलती से बापू की कार ठुक गई, बहुत मारेगा यार। काश मोबाइल फोन से डायरेक्ट सैंडल मालिक की फैसिलिटी होती। डार्लिंग कहाँ हो? गूगल मैप पे तुम्हारा भीख मांगने का लोकेशन नहीं मिल रहा है। जिसे देखो मोबाइल पर लगा पड़ा है, बुढ़े बच्चे बिजनेसमैन भिखारी सब लगे पड़े हैं। आजकल सारे काम मोबाइल से ही तो होते हैं। मोबाइल बिकने की रफ्तार ने तो बच्चे पैदा होने की रफ्तार को भी मात दे दी है। मोबाइल के मॉडल को देखकर लोग उसके मालिक की औकात तक का पता लगा लेते हैं। सस्ता फोन अगर हाथ में हो तो दोस्त से लेकर दुश्मन तक सब कन्नी काटने लगते हैं। आजकल जीने के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा मोबाइल जरूरी हो गया है। ए तू हटना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, चल। अरे सर, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। अरे कब से मोबाइल का लेक्चर दे रहे हैं, आप लोगों को क्या लेना देना है? अरे भाई, लेना भी है और देना भी है। मेरा यकीन करो, इस फिल्म का मोबाइल से बहुत गहरा संबंध है। बस एक आखिरी बात कहना चाहूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। बस एक बार अपने पॉकेट में हाथ मार के देख लो कि आपका मोबाइल आपकी जेब में है कि नहीं। एक बात और, एप्पल अमेरिका का नहीं कश्मीर का लेना है। क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे आदित्य से दोस्ती करने के लिए एक बार नहीं कई बार मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज वो मुझे मारना चाहता। आप एक सरकारी ऑफिसर हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आप क्यों घबरा रहे हो? आदित्य इंसान नहीं, खौफनाक हैवान है। उसने मुझे मारने के लिए घर पर गुंडे भेज दिए। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेंगे, मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर चला देंगे। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं ये सब कुछ सह नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। शरीफ आदमी थे, भगवान इनके आत्मा को शांति दे। रुक जाओ, मेरे पति को मारने के बाद अब झूठी हमदर्दी जताने आए हो? सुनो, जाके आदित्य पटेल से कह दो, हर कुत्ते के दिन आते हैं, देखना एक दिन वो भी कुत्ते की मौत मरेगा। मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त करके आए लगे। बेटा बोला ना तो भेजा टेबल पे उतार दूंगा साले। कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो नजर उठा के अपुन के साथ बात कर सके। मुंबई पे राज करता हूँ राज। क्या अरे तेरी खेती चल गई। हाँ बीड़ी कौन पी रहा है? जरा साइड देना भाई। पब्लिक प्लेस में दारू पी रहे हो? तू मुझे बोलने वाला कौन है बे? देख भाई, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन एडवांस में एक चेतावनी देना चाहता हूँ। पब्लिक प्लेस में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, पान चबाकर यहाँ वहाँ थूकना, इसकी परमिशन तो अपने देश के प्रधानमंत्री भी नहीं देते। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सामान संभाल सकता हूँ। चाची की कसम, इसके लिए तुमसे कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लूंगा। नहीं तो क्या करेगा भाई? लोग मेरी खोपड़ी सटकी ना तो इससे पहले कि दारू तुम्हारी खोपड़ी पर चढ़े, मैं तुम्हें नर्क की सीढ़ियां चढ़ा दूंगा। इसीलिए शानपत्ती करना बंद करो और चुपचाप ये बाटलियां समेट कर यहाँ से निकल लो, वरना इसकी फ्लूट बजना तो वैसे ही कंफर्म है और तेरा भी तानपुरा छिलेगा पूरा का पूरा। कल का छोकरा हमें सिखा रहा है विष्णु।
अब बता कैसे तुझे पीटूं? ए, तेरा नाम विष्णु है तो अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? वाह, इन्हें भी राज बता दूं? अबे छिली हुई अदरक, जब मैं छोटा सा था और उस वक्त जब मैं स्कूल से घर आया करता था तब कंपास की जगह गुप्ती होती थी और अगर कुछ मिटाना होता तो रबर नहीं तलवार निकालता। हमें डरा रहा है? एक राज की बात बताता हूँ भीड़ू, जब मैं पैदा हुआ तब एक हाथ में चमचा था, दूसरे में तमंचा। कट्टू, मैं तुझे कॉलेज का सीन दिखाता हूँ, देख कैसे धो रहा हूँ। ए, तू वहाँ कैसे पहुँच गया? अरे मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, वहाँ तुम सब भी तो हो, धुलाई तुम्हारी तो होने वाली है। जैसे गुंडे ना फिल्म के पर्दे पर अच्छे लगते हैं ना ही पर्दे के बाहर, जब कीड़े समाज को गंदा करते हैं तब मुझ जैसा शरीफ इंसान हीरो का अवतार लेकर इस जमीन पर पैदा होता है। सिर्फ पिक्चर हॉल में नहीं, आज के बाद स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल में किसी को परेशान किया तो ये विष्णु उसी जगह तुम्हारी कब्र बना देगा। विष्णु भगवान के साथ आज के बाद इस विष्णु को भी याद करना, हत्थे बांध ले, दिमाग के गलत ख्याल अपने आप फुर हो जाएंगे। Be careful. आप उन्हें सही बोला ना भाई लोग? नमस्ते काका। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते मालिक। नमस्ते नमस्ते। अब ये विष्णु कहाँ गया? टाइम पास मत कर, जल्दी कर। अरे विष्णु, तू प्रधानमंत्री बनने वाला है? तेरे मुंह में बर्फी पेड़ा। अबे निकम्मे, मुझे पता था कि तू मुझे यही मिलेगा। इसकी भविष्यवाणी सुनिए। अबे चुप, बात करने दे। कुल्ली की रेखा जय प्रदा क्या कह रही है? देख रहा हूं। बोलिए, टाइम कम है। अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे मरने से पहले कम से कम तू मेरा बिजनेस संभालना शुरू कर दे। कौन सा बिजनेस? मेरा फैला हुआ कारोबार, दरिया किनारे मेरे एक फुट जमीन है जिसपे मैं नींबू उगाता हूँ, मेरी नमक बनाने वाली फैक्ट्री, पानी बनाने वाली फैक्ट्री, सब तेरे ही नाम है। मेरा वो दरिया के बाजू वाला समुंदर जिसमें एक भी जहाज नहीं चलता, और वो चूरन का कारोबार, ये सब मैं तुझे ही देने वाला हूँ बेटा। पापा मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप ही को मुबारक हो, जाइए जाइए। जब तुम्हारे डैडी अपनी सारी जायदाद तुम्हें दे रहे हैं तो मना क्यों कर रहे हो? सारी जायदाद देखनी है? ये देख, ये है डुप्लेक्स बंगलो अटैच विद सुलभ शौचालय। ये 2000 acres में फैला हुआ बुटीक जहाँ इस्त्री करके मॉडल के उतरे हुए कपड़े उन्हें दोबारा पहना देते हैं। आप चाहते हैं मैं इनका गंदे कपड़े धोने का बिजनेस इनसे टेक ओवर कर लूं? ये बिजनेस देखे ये मेरे पे इस्त्री वाले का ठप्पा लगाना चाहते हैं। पाइप के अंदर टुकड़ी बीड़ी का तंबाकू डालकर खुद को राजा बहुत समझते हैं। लुंगी पर भाड़े का कोट पहनते हैं, अंग्रेज की औलाद। कोट के बारे में कुछ मत बोलना, ये मेरे पुराने कस्टमर का नया गिफ्ट है, समझ गया तू? आपकी चड्डियां तक कस्टमर की होती है? अरे अगर गांव वालों को पता चल गया ना तो आपकी तो चड्डी उतारेंगे ही, मेरी भी इज्जत जाएगी। ये क्या बकरा है? बाप की मदद करने से तेरी इज्जत घट जाएगी क्या? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए, मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। इनकी ठंडी इस्त्री में मैं अपना गर्म कोयला नहीं डालूंगा। ओ हीरो, इसी ठंडी इस्त्री में तब के इतना बड़ा हुआ है तू? आज के जमाने के नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, किस्मत खोलकर अपने बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। हट रे, समझा इसे। अरे बाबूजी, आपको नहीं मालूम इसका राजयोग शुरू हो गया है? 10 मिनट पहले इसका दिमाग खराब हुआ है और उसे खराब करने वाला है तू। आज कौन सी पट्टी पढ़ाई से? विष्णु और लॉर्ड विष्णु की कुंडली सेम है। ये साक्षात विष्णु का अवतार है।
इसकी कुंडली फिल्म स्टारों वाली है। इसकी कुंडली में राहु की जगह बिल गेट्स और केतु की जगह टाटा बिरला बैठे हैं। अत्यत्रिष्टत्तशांगुलम् पुरुषये अबे ओए, मेरा नाम है पल्लवी, जो मुझे छेड़े उसकी करती हूँ खली वली। मेरी जान। अच्छा हवान दे, ये क्या है अंकल, मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेते? सिर्फ चार कपड़े लेने के लिए मुझे चार मोहल्ले से आना पड़ता है, अगर मैं पतली हो गई तो। अरे बुड्ढे से बोल मुझे स्मार्टफोन ना सही, डफर फोन ही दिला दे। एक ही बेटा है, दिला दो। मैं 1000 रुपए का नया मोबाइल दिलाने को तैयार हूँ, पर ये निकम्मा लेने को तैयार ही नहीं है। हेलो, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं पड़ना, तुम बस कर्नल साहब के घर पर ये प्रेस के कपड़े जल्दी पहुँचवा दो। मैं नहीं जा सकता, वो क्या है कि मेरा पेट खराब है। विष्णु देख बेटा, मेरा पेट खराब है, ये कपड़े कर्नल साहब के घर पहुँचा दे। धंधा आपका है, आप खुद जाओ ना। अरे बेटा, मेरे प्यारे मेरे दुलारे पहुँचा दे। क्या मुसीबत है, ये क्या है? काला खट्टा माई, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पी लेती हूँ। पूरा पी ले, साथ में ये भी घटक गया। पी लो, बहुत प्यासी लग रही हो। तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी सारी प्यास बुझ जाएगी। गंदे पोज देना बंद कर। पल्लवी, मैं तेरी प्यास बुझाऊं क्या? ये क्या कर रहा है तू? है लुंगी में लेके जाऊंगा तो क्या सोचेंगे? गिफ्ट रैप करके ले जाऊंगा, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं कपड़े प्रेस करने वाले का बेटा हूँ। क्या बताया? मैंने उन्हें बताया है कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं। इस बात से मार्केट में मेरी इमेज बढ़ जाती है। वाह 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 वाह। थैंक यू। ये भूत बंगला तो नहीं? हेलो, लॉन्ड्री के कपड़े लेकर आया हूँ। बाहर सोफे पे रख के जाओ। अच्छा, वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हें एक बहुत ही सुशील और सेक्सी फिगर वाली नेक लड़की मिलने वाली है। जब वो लाल वस्त्र धारण करके तुम्हारे सामने आएगी तो मेरे लाल तुम भी लाल हो जाओगे। भारती, आ रही हूँ दीदी। भारती, हालांकि वो देवलोक से बिलोंग नहीं करती, पर स्वर्ग से आई परी की तरह सीढ़ियों से उतरेगी और छत से फूलों की झमाझम रेनफॉल होगी। वो सफेद बादलों से उतरेगी और तुम्हारे दिल पर घटा की तरह छा जाएगी। आप क्यों रहे बेटा, मैराथन भाग के आए क्या? थोड़ी देर सांस ले, सांस ले। क्या हुआ? हाँ? भारती नाम की लड़की मेरे साथ सेट होगी कि नहीं, हिसाब लगा। भारती, विष्णु, विष्णु भारती। अरे है? ये तो जन्म पुनर्जन्मों का बंधन है। यही तेरी पूरी अर्धांगिनी है। देताली, लेताली। झूठ तो नहीं बोल रहे पंडित? झूठ बोल, पापा काटे। पापा, बेटा, मेरे सुपर कूल डैड के लिए मैंने सुपर कूल बहू ढूंढ ली। पापा, कहाँ है मेरी बहू? मैं यहाँ हूँ और आप पूछ रहे हो कि कहाँ है। लगता है ससुर जी सठिया गए। हमारे घर का पलंग इतना मजबूत नहीं है। मैंने उस लड़की को कर्नल के घर पर देखा। कर्नल की बेटी आपके बेटे को भाग गई। वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है, डिलीवरी करवाने आई है यहाँ पर। उसकी बात कौन कर रहा है? उसकी छोटी बहन भारती की बात कर रहा हूँ। जिस तरह रेशम की साड़ी पेट्रोल से ड्राई क्लीन होने के बाद चमकती है, उसका बदन भी चमक रहा था। भारती अमेरिका से पढ़ाई करके आई है। हाँ। तुम ही बताओ दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी। कल वो हॉस्पिटल जाएगी MD सूर्य प्रकाश से मिलने।
और तो और वो उस डॉक्टर का अकेले में टेस्ट लेगी और फिर फैसला करेगी। अगर उसे डॉक्टर पसंद आ गया तो उनकी शादी का बैंड जरूर बजेगा। विष्णु क्यों ना हम दोस्त से रिश्तेदार बन जाएं? बेटा विष्णु, अगर वो लड़की सिर्फ एक डॉक्टर से शादी करना चाहती है तो तुझ जैसे निकम्मे से वो कैसे शादी करेगी? तू उसे भूल जा और इस छोटे से पहाड़ को अपना ले। इससे आप शादी कर लीजिए, वो सिर्फ डॉक्टर से ही शादी करेगी ना। एग्जैक्टली। तो मेरे जैसा दिल का डॉक्टर उसके लिए एक ही बना है। हमारी ये डीलिंग नेगोशिएशन में ही अटक रह गई, लेकिन आज खुद एसीपी सर मेरे घर पर आए। देखते देखते मेरे सारे जूनियर्स कहां से कहां तक पहुंच गए। मुझे लगता है मैं तो गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? पता लगाइए कि उन लोगों के प्रमोशंस के पीछे किसका हाथ है। उनका प्रमोशन ऐसे ही नहीं होता, वो गुंडों को पकड़ते हैं, एनकाउंटर करते हैं, उनकी वाहवाही होती है, तब गवर्नमेंट उन्हें प्रमोट करती है। तो फिर तुम भी दो चार गुंडों का एनकाउंटर कर दो। मेरे लिए तो एक ही गुंडा काफी है। तो फिर अब तक उसे मारा क्यों? इसीलिए तो यहां आया हूं। अगर एक भी गोली चली तो तुम पर इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर बॉस ही मर गया तो चमचे अपने आप मर जाएंगे। आज तू मेरे प्रमोशन की वजह बनेगा। गोली किस पर चला रहे हो? उस बॉस पर जिसने तुम्हें सालों तक सपोर्ट किया। ऐश आराम की जिंदगी दी, इनके पैसों ने तुम्हें वो सब दिया जो तुम कमाने की सोच भी नहीं सकते। आदि के पैसों से सारे ऐशो आराम करते हो, अपनी सारी जरूरतें पूरे करते हो और अपने प्रमोशन के लिए उसे मारना चाहते हो? हाँ थू, तुम्हें प्रमोशन ही चाहिए ना, तो अरेस्ट कर लो, केस फाइल करो, कोर्ट जाओ, इन्हें सजा दिलाओ, चाहे तो हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं बड़े से बड़े वकील को हायर करके इन्हें रिहा करवा लूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन्हें छू भी नहीं पाओगे। अगर तुम आदि को मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारो। चलाओ गोली। कोई मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है, ये जानकर बहुत खुश हुआ मैं। गलती मान लेना भी एक प्रायश्चित है। मैं तुम्हारे साथ मिलके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो सजा अपने आप कम हो जाएगी। अभी हमारी उम्र ही क्या है, कुछ साल बाद जब तुम रिहा होगे तो हम दोनों फिर से जुर्म से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं भी यही सब करना चाहता था मीरा, लेकिन एसीपी नहीं चाहता कि मैं सुकून से जीऊं, इसलिए मारना चाहता है। लेकिन उसने मेरे साथ एक डील की है, मुझे डायरेक्ट ऑफर दिया है। बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए क्या? मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन मेरी जान ना लेने के बदले वो तुम्हें चाहता है। What? उस वक्त तुमने क्या किया दी? उसे चाकू से मार दिया या शूट कर दिया उसे? क्या किया आदि, बताओ ना। हाँ मैंने उस डील के लिए हाँ कर दिया। आदि, आदि, तुम्हारी बात सुनकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी बातों की वजह से चक्कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन फ्रूट्स की वजह से चक्कर आ रहे हैं जिनमें मैंने नशे की गोली मिक्स कर दी थी। तुम्हें एक ब्रेव मैन समझ के मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। नहीं आदि, ऐसी नीच जिंदगी जीने से अच्छा होगा कि हम दोनों मर जाएं। ए, तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, मैं तो जीना चाहता हूं, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आदि, आदि, देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। डॉक्टर साहब, आपका कोट प्रेस करके यही रखा था, पता नहीं कौन धोबी की औलाद पहनकर चला गया। आजा। आया। कम पाउडर। हाँ दोस्त। कैरेक्टर पकड़ो आ रही है। पंडित सबको पैसे दे दिए? हाँ, दे दिया। आना डॉक्टर साहब। अरे अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब,
डॉक्टर बनने के बाद पहली बार मैं पेशेंट के साथ स्ट्रेचर पे लेटा हूँ। आइए उतरिए। सॉरी, आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अगर आपको दर्द हो रहा है तो मैं मुंह लगा दूं। ए, मुंह ला रहे हैं? मैं देखता हूँ। मैं ठीक हूँ। पक्का ना? Yes. ऐसे कोई पैर पकड़ता है? माफ करना डॉक्टर, क्या करें? लेकिन मैं अपने जज्बात रोक नहीं पाया। मेरे दिल में 18 इंच का छेद था और आपने टांके मार मार के उसे ऐसा सिला कि सारा लीकेज ठीक हो गया डॉक्टर। ये लो पूरे 500 रुपए। डिस्चार्ज मिल गया है ना? मिठाई खरीद के खाना, जाओ जाओ। अरे उसकी पेमेंट करनी थी। वापस ले लेना। नेक्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर। अरे मैडम, आपके पति ने मेरे बच्चे और मेरी जान बचाई है। भगवान करे आपकी गोद में 10-15 गोल मटोल बच्चे खेले। डॉक्टर जी, मेरी बच्ची का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग पति पत्नी नहीं हुए हैं। अभी अभी हम लोग स्ट्रेचर पर मिले हैं और मैं इन्हें ठीक से जानता तक नहीं हूं। प्लीज आप गुस्सा ना हो डॉक्टर, इन्हें पता नहीं था। आप इसका नामकरण कर दीजिए। तुम कहती हो तो क्या नाम रखूं इसका? ऐसा नाम रखो जो तुम्हें बचपन से पसंद हो। बचपन से मुझे एक नाम बहुत पसंद है, भारती। यही नाम 3 बार कान में बोलो। अच्छा? अरे इनके नहीं, बच्चे के कान में। सॉरी, मेरी शादी नहीं हुई। भारती, भारती, भारती। काम पूरा हुआ, जाओ लीजिए। अरे एक मिनट रुको, नामकरण में कुछ देते हैं ना? क्या दूं, क्या दूं? ओह, अरे डॉक्टर, ये चेन पूरे 5 तोले की है। लेकिन बच्चे का मूल तो अनमोल है ना, चेन क्या चीज है। वापस ले लेना। ठीक है। लो जी, चेन खो मत देना। जाओ जाओ। नेगस्ट, आप डॉक्टर नहीं है। मैं अपनी सौतेली माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि आप डॉक्टर है ही नहीं। तो कौन हूँ? आपने मुझे मौत के मुंह में हाथ डाल के बाहर निकाला। आप भगवान हो। अच्छा लाए हो। गलती से डॉक्टर बन गए। नर्स, आप जानती नहीं, तीसरी मंजिल की खिड़की से बाय मिस्टेक गिर गया था। तीसरी मंजिल से नहीं डॉक्टर, मैं 13वीं मंजिल से कूद कर गॉड के पास जाने वाला था। मेरी हड्डियों के 12,545 टुकड़े हो गए थे, लेकिन आपने फेवी होल लगा के सारे जोड़ दिए। आप डॉक्टर के कोर्ट में भगवान। ऑपरेशन की फीस भी नहीं ली थी मैंने। एक काम करो, ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसे नींद की गोली देके सुला दो। ये तो लॉन्ड्री वाले का बेटा लगता है, पर ये डॉक्टर के ड्रेस में क्या कर रहा है? संभल कर, संभल कर। अरे वाह 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 वाह। गलती से इसे तो पैसे नहीं दिए। तुम उस लॉन्ड्री वाले के तो तुम ही हो इस हॉस्पिटल के नए लॉन्ड्री वाले? जाओ इसे कपड़े धोने को दे दो। लॉन्ड्री रूम ऊपर है। फिर मुझसे क्यों कपड़े धुलवा रहे हो? अभी हाथ चेक करके आपकी बीमारी बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। सब नॉर्मल है। एक्चुअली मैं यहाँ किसी मिलने आई थी, मुझे ऐसा ही लगा। सॉरी। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट? चलते चलते बात करें। ओके। क्या बताऊँ, आजकल डॉक्टर इस पेशे में कमाने के लिए आते हैं। गरीब बेबस लोगों का इलाज कोई नहीं करना चाहता, सब माल समेटना चाहते हैं। मैं गरीबोलॉजिस्ट हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं खुद कहाँ समझा। ये बताओ, क्या तुम डॉक्टर सूर्य प्रकाश को जानती हो? नहीं, क्यों? अच्छी बात है, चलती रहो। दरअसल इस हॉस्पिटल के सारे चमड़ी के ऑपरेशंस मैं ही करता हूँ। मेरे सारे कामों का श्रेय, क्रेडिट और कॉस्ट वही लेकर जाता है। वो भूखा बकरा है, उसे पैसे की भूख है और मुझे मिलता है मानव सेवा का सुख फ्री में। आपकी बातें सुनकर मुझे गर्व हो रहा है। अब बाय द वे, आपका नाम? विष्णु। डॉक्टर विष्णु। योर विजिटिंग कार्ड? दरअसल मैं इतने विजिट्स करता हूँ कि विजिटिंग कार्ड सुबह छपवाता हूँ तो शाम तक खत्म हो जाते हैं। एटलीस्ट फोन नंबर? मैं मोबाइल नहीं रखता। ऑपरेशन करते वक्त अगर फोन बज जाए तो हाथ हिल सकता है और पेशेंट मर सकता है। ग्लूकोज लगाते वक्त अगर व्हाट्सएप आ जाए तो सुई कहीं और घुस सकती है। मुझे लगता है डॉक्टर को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वन सेकंड, दिस इज माय कार्ड। भारती। भारती, अच्छा नाम है। आपका फेवरेट नाम। मुझे लगता है हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसलिए तो आपका नाम भारती है। जब भी चाहे आप कॉल कर सकते हैं। अब तो मोबाइल लेना ही पड़ेगा। सुनो, तुम यहाँ किसी से मिलने आई थी ना, कहो तो मैं तुम्हें वहाँ। अब जरूरत नहीं। अरे अंधा है क्या बे? अरे एग्जिट गेट से एंट्री मार रहा है तू और मुझे ही अंधा कह रहा है? तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा दिमाग मत सटका, फुट ले यहाँ से। भिड़ू,
इज्जत से बात कर रहा हूँ तो ज्यादा ही चढ़ रहा है। क्या रे, नारियल छिलने का धंधा है क्या जो इसे लेकर घूम रहा है? तेरी तो। देख गेट तो खोल दे लेकिन आगे मत बढ़ना। क्या कर लेगा? बहुत कुछ। बी सी ए, क्या चल रहा है यहाँ? आ गया बाप। देखा, आज पहली बार पुलिस को मैंने टाइम पे आते देखा है। लगता है आप लोगों की पगार बढ़ गई है। आइए, ये लोग पब्लिक प्लेस में हंगामा कर रहे हैं, डाल दीजिए इन्हें जेल में। ए, चलो पुलिस स्टेशन में। पुलिस हो तो ऐसी हो, बड़े बड़े हथियारों के साथ आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। कल के न्यूज़पेपर में आपका क्लोजअप फोटो होगा, आपकी प्रमोशन तो पक्की। मेरे क्लोजअप के बाजू में तेरा भी एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा। वैसे ये इंस्पेक्टर इन्हें अंदर क्यों नहीं डाल रहा है? चाय पानी लिया क्या? ये कह रहे हैं कि ये आदित्य पटेल के गुंडे हैं और वो इनकी जमानत कराने खुद आ रहा है। आदित्य किस कवे का नाम है? अरे तुम उसे नहीं जानते? जितने भी मर्डर्स होते हैं वही कराता है। कहते हैं वो गुंडों का गॉडफादर है। आज तक उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपको यकीन है ये सारे फंटर उसके ही हैं? अगर उसके ही हैं तो कंप्लेंट मत लिखिए ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो बताइए कहाँ से शुरू करूँ? एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाहर जाता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद वापस अंदर आता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ। इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? हाँ? अरे ये तो वही है। कितना बज रहा है यहाँ? क्या खो खो खेल रहे हो? चल बाहर। बेवकूफों को हॉस्पिटल भेजा था और पुलिस स्टेशन आ गए, उन्हें यहाँ कौन लाया? सर कुछ गलतफहमी हो गई, मुझे लगा वो झूठ बोल रहे थे। कौन है वो कमीना जिसने मेरे आदमियों को मारा? हाँ, बोलता क्यों नहीं बे? इस शहर में मेरे आदमियों को कोई आंख दिखाने की भी हिम्मत नहीं करता, और उस कुत्ते ने उन पर हाथ उठाया। उसे तो मैं दुनिया से क्लियर कर दूंगा, उसे मेरे सामने घसीट कर लिया। जिंदगी में फिर किसी दूसरे पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं करेगा वो कमीना। जाने दीजिए ना सर, उसे पता नहीं था आपके बारे में, नहीं तो ऐसा नहीं करता। हमने भगा दिया उसे। इस पुलिस स्टेशन में कितने आदमी हैं? चार आदमी सर। पूरे पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। 24 है सर। जब मेरे आदमी मार खा रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर मुझे अच्छा लगा। चंद, कौन है? कौन है तुम? तेरी मौत। मेरे आदमियों ने तो अब तक काम खत्म कर लिया होगा, लेकिन अभी तक उनका फोन क्यों नहीं आया? मेरा मोबाइल कहाँ गायब हो गया? कार में देखना तो। हेलो आदित्य भाई। हाँ भाई, मैं चेन्नई से वहाँ बोल रहा हूँ। भाई आपके आदमियों ने हॉस्पिटल में फूलचंद को खत्म कर दिया। एक मिनट पहले ही फोन आया था। भाई डील के 50 लाख रुपए मैंने होटल सवेरा में टेबल नंबर J17 पर रखे हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं। आता हूँ। कोई कोडवर्ड बताइए। कोडवर्ड? हाँ भाई, मेरे आदमी आपको पहचानते नहीं है, कोडवर्ड से आपको पैसे दे देंगे। कोडवर्ड? कोड 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 क्या कोडवर्ड दूं? क्या दूं? डिंग डिंग डिगाना। डिंग डिंग डिगाना। डंग डंग डगाना। नंबर डालकर पता चल जाएगा फोन कहाँ है। भाई रिंग जा रही है पर कोई जवाब नहीं दे रहा। भाई मुझे लगता है जरूर मच्छी मार्केट में गिर गया होगा रंगा का मर्डर करते वक्त। ए राजू, जा जल्दी मच्छी मार्केट में जाके ढूंढ। ठीक है भाई, जल्दी जा। वहाब को फोन लगा। सॉरी भाई, नंबर बिजी है। वहाब डील के लिए हमेशा होटल में ही बुलवाता ना। हाँ, डील के लिए कोडवर्ड भी मांगता है। कम भाई, वहाब का फोन है आपके लिए। अच्छा, हेलो। हेलो आदित्य भाई। हेलो आदित्य भाई।
हेलो वहाब, एक मिनट रुको, मैं क्लब में हूँ वहाब, बहुत शोर है यहाँ पर, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हाँ आदित्य भाई, पैसा मिला ना? कौन सा पैसा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पेमेंट के लिए तो मैंने फोन करवाया था। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो खुद आपसे बात की थी। मुझसे कब बात की? मेरा फोन तो कब का गुम हो गया वहाब। इसका मतलब वो कोडवर्ड आपने नहीं दिया? कोडवर्ड? कौन सा कोडवर्ड? डिंग डिंग डिगाना। अरे ढंग ढंग डगाना। पैसा कहाँ? अरे कौन हो भाई? बता मेरा पैसा कहाँ है? बचाओ मारे को। ये मेरे बैंक का लॉकर है, ताला मार दूं। अरे विष्णु बेटा, ये क्या नया बॉक्स, नया ताला, खजाना हाथ लगा है क्या? मैंने इसमें 50 लाख रखे हैं। क्या? अरे मेरा मतलब है कुंडली रखी है पापा। क्या फ्रॉडी बेटा, आज बाप पे प्यार आ रहा है? क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? तो मेरे बच्चे वहाँ पे 10-12 कपड़े पड़े हैं, अच्छे से इस्त्री कर देना, मैं चलता हूँ, बाय बाय। बापू फंसा के कहाँ जा रहा है? अरे जोर की लगी है। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हमारा यार फोन धुने किया, मुझे इनकमिंग फ्री है, मैंने हरा बटन दबा दिया, बोल क्या काम है? क्या ये नंबर 9916202429 है? ओ अच्छा अच्छा, वो आपने मुझे नंबर बता दिया, अपने बाप की कसम मुझे भी नंबर पता नहीं था। जिस फोन से बात कर रहे हो उसका नंबर भी नहीं जानते? ये फोन मेरा नहीं है बॉस। सही कहा, क्योंकि वो फोन मेरा है। तो क्या नाचूं? ए तू जिस मोबाइल से बात कर रहा है उसका ओनर मैं हूँ। ओनर? सर क्या मैं लावा कंपनी के ओनर से बात कर रहा हूँ? सर मैं फुकटा बेरोजगार हूँ, मुझे अपनी कंपनी में एक जॉब दिला दीजिए ना सर। बहुत कॉमेडी हो गई, डॉन बोल रहा हूँ मैं, डॉन आदित्य से बात कर रहा है तो इस वक्त। आदि आप वही है ना जिसने 20 मर्डर और 50 किडनैपिंग्स की है और मोस्ट वॉन्टेड है? हाँ वही आदित्य बोल रहा हूँ मैं। मेरे तो भाग खुल गए। चल कोई नहीं, अब चुपचाप मेरा फोन लौटा दे। अच्छा अगर तूने मेरा फोन लौटा दिया ना मैं तुझे माफ कर दूंगा। आप जैसे रहम दिल गुंडे इस फील्ड में बहुत कम है, मैं तो आपका फैन हो गया। आपके फोन का मॉडल बहुत ही धासु है, मैं रख लेता हूँ, इसमें वीडियो गेम्स अच्छे हैं, आप दूसरों का गेम बजाइए, मैं इसमें वीडियो गेम्स खेल लेता हूँ, आपका क्या ख्याल है? एनी ऑब्जेक्शन? ए हाँ बोलिए। तूने जो मेरे 50 लाख रुपए लिए ना उसे वापस कर दे। क्या भाई चिल्लर अमाउंट के लिए इतनी चिल्लम चिल्ली खाई को? देख चुपचाप लौटा दे। अगर तूने पैसे नहीं लौटाए तो तू जानता नहीं मैं क्या करूंगा। नहीं लौटाया तो फिर उसी चिल्लर के लिए तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझसे भीख मंगवाऊंगा, फिर जिंदगी भर चिल्लर चिल्लर करता रहेगा। सर बेकार की बहस में टाइम खराब मत कीजिए, जब तक मैं खुद आपको फोन नहीं लौटाता हूँ आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। लुक्का छुपी में मैं किसी के हाथ नहीं लगता था, हिम्मत है तो तू आकर मुझे ढूंढ ले। शायद तू मुझे नहीं जानता। बिल्कुल नहीं, जान पहचान बढ़ाकर मेरे को तेरी बहन को घर नहीं लाना है रे, वैसे भी मुझे तेरा जीजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है साले। चल फोन रख। अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आके मिल। मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, अभी तो अफेयर हुआ नहीं, होते ही पता चल जाएगा। वैसे तेरा सेक्स क्या है? कंफर्म कर रहा हूँ मर्द है तो आ जा, फोन वापस ले जा। अबे नामर्द साले, अगर सामने होता तो तेरी मैं देख। चुपचाप मेरा फोन दे दे और उसके बदले में मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा। गुड बॉय की तरह मेरा कहना मानेगा? क्या है बोल। कल मिलते हैं। कल कहाँ मिलते हैं? दोपहर को। कल दोपहर में कहाँ? साउथ एक्सटेंशन के पास। साउथ एक्सटेंशन के पास तो हाईकोर्ट है। साउथ एक्सटेंशन और हाईकोर्ट के बीच में रे। साउथ एक्सटेंशन और हाईकोर्ट के बीच में तो शास्त्री मार्केट है। करेक्ट, शास्त्री मार्केट के बीचों बीच तेरे कपड़े उतार कर तुझे नंगा करके आइटम सॉन्ग पर डांस करवाऊंगा। दोपहर को 12 बजे आ जाना अकेले। मेरा कान गरम हो गया, फोन कट कर चल। आदि कस्टमर केयर से बात करके आ नंबर ने सेवा बंद करवा दूं? इससे अच्छा होगा कि मेरे दिमाग को ही बंद करवा दे तू, अपने मुंह का गटर बंद ही रखा कर तू। अगर मेरा ये फोन नंबर बंद हुआ तो बात मेरे गले तक आ जाएगी और मेरे सारे कनेक्शन की ऐसी की तैसी। आदि तेरी बात सही है, लेकिन कल को मान लो अगर उसने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया तो आता काय करूं? अरे सावन के अंधे, कभी गुजराती बोलता है कभी मराठी, साले तू मेरा भाई नहीं होता ना तो मैं तुझे चाइनीज सिखा देता। बोल तू, हमार फोन वो गधा के पास है, अगर नंबर ब्लॉक नहीं कराएंगे तो वो सिम कार्ड नहीं फेंकेगा, तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। जब भी मुख होता है किसी और ही स्टेट में पहुंच जाता है। पापा तेरे बारे में सही कहते थे,
तू एक नंबर का गधा है कमीने। अब मैं किसी भी हाल में चुप नहीं रहूंगा। तू देखना उस चिल्लर का मैं क्या करता हूँ, उसे भरे बाजार में कैसे खनकाता हूँ। तो सुकर उछू, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। चुल्लू भर पानी में डूब मर। ए पंडित, शराब हानिकारक होती है। ए भाई, पिला नहीं सकता तो भाने का को मार रहा है। तेरा मतलब विष्णु भाई की जींस में एक बाटली का भी पैसा नहीं? तुझे लगता है मैं तुझे यहाँ कुछ नहीं पिला सकता? एकदम सही। मैं हर रोज वो घटिया लो क्लास सड़क छा पी पी कर तंग आ चुका हूँ। अच्छा? अलग अलग देशों की अलग अलग धार पिलाने के लिए मैं तुझे इस पॉश बार में लेकर आया हूँ। मतलब आज पैमाना छलकने वाला है। और साथ ही पैसों की बारिश भी होगी। वो कैसे? तो ड्रिंक पीना ग्लास क्यों गिन रहा है? पहला राउंड खत्म है विष्णु, दूसरा राउंड। वेटर, आज चाहे आसमान गिर जाए या धरती फट जाए, इसे पिलाने के लिए मेरा बैंक बैलेंस ही क्यों ना खत्म हो जाए, मेरे घर के सारे बर्तन ही क्यों ना मुझे आज बेचने पड़ जाए। ये पंडित ड्रिंक से प्यासा ना मरे। तू बार बार ग्लास भरता रहे और पंडित गला तर करता रहे। वही 50 रुपए वाला पहुआ है जिसे तुम रोज पीते हो, समझे? पता था हम गरीब लोग चाहे जितना भी कमा ले अपना ब्रांड नहीं बदल सकते। लॉर्ड गणेशा, तूने मुझे कभी प्यासा नहीं रखा। तीनों मौसम में पेट भर के पीने को दिया। जीवन में कभी प्यासा मत रखना। जय हो। अरे, मैंने तो इसे नहीं पिया, लगता है चीता पी गया। सारा माल इसमें पड़ा है मगर चाबियां बच्चों के पास हैं। बड़े क्या हुए, अपने बाप को भूल गए। मैं भी रिश्ते में उनका बाप हूँ। लॉर्ड गणेशा, अभी अभी तुम्हें प्रे किया है, लाज रख लेना। इसे यहाँ किसने रख दिया? लेकिन साहब ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे बाप रे, मुझे बचाओ। अरे मैं अटक गया, मैं अटक गया। गोली क्यों चला दी? वैसे क्यों आग लगी है? आखिर सबने देख ही लिया। नाना, ए चलो तुम दोनों बाहर जाओ। चलो चले चलो। पल्लवी, ये सब क्या है? पल्लवी, तूने फिर से गड़बड़ कर दी ना। मुझे क्यों बोल रही हो, अपने पापा से पूछो। मैं तो झूठ रहा था। ये बुरी आदत है, आप कब छोड़ोगे? बहुत कोशिशें करके देख लिया पर ये गंदी आदत है ना, छूटती नहीं बेटा। ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आती है मगर शाम होते होते वापस चली जाती है। टन टन घंटियां बजने लगती है। सच कहता हूँ, कंट्रोल नहीं होता। आई एम सॉरी। हमें सॉरी कहने से क्या होगा? पल्लवी को सॉरी कहिए। सॉरी पल्लवी। ओ नहीं नहीं, आप मुझसे क्यों सारी बोल रहे हो जी? अगर आप मुझसे मांग लेते तो इनको बिना बताए आपको दे देती। लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। पल्लवी, छोटी मालकिन, साहब हर रोज आपसे छुप छुप के ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। हाथी के मुंह से बोतल निकालने के चक्कर में ऊपर से नीचे गिर गए। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? पापा, आज से आप अपनी ये बुरी हरकतें बंद कर दीजिए। सर, एक और दे। सुपर। फैसला करना पड़ेगा। क्या फैसला? नहीं नहीं, फैसला करना पड़ेगा। कौन सा फैसला? या तो वो मुझे प्रपोज करे या फिर मैं उसे प्रपोज करूँ। किसको? दिखाता हूँ, भारती। ये अस्पताल वाली? भाभी को फोन करना। मेरा पैर दर्द से तड़प रहा है, डॉक्टर बुलाने की बजाय तुम लोग मुझे डांट रही हो। बात कर। हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? मैं विष्णु बोल रहा हूँ। हाय डॉक्टर, व्हाट अ सरप्राइज। डॉक्टर, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। आई नो, आप डॉक्टर विष्णु बोल रहे हैं ना? मैंने कुछ अलग कहा क्या? हाँ हाँ, वही। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी डॉक्टर। आप बिजी तो नहीं है? बिजी कहाँ, बिजी थर्ड राउंड। हाँ, थर्ड राउंड में बिजी हूँ। कहाँ का थर्ड राउंड?
I mean, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को चेक करते वक्त कैची लेकर जाना पड़ता है ना राउंड पर। इंजेक्शन लगाओ। हाँ। बस 3 नंबर वार्ड का राउंड लगा रहा हूँ। वैसे आपके पीछे काफी शोर हो रहा है। हाँ, वीकेंड चल रहा है ना, मॉल की तरह यहाँ भी भीड़ होती है। वीकेंड्स पे तो मॉल में भीड़ होती है, हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है? हाँ, वो हॉस्पिटल के सामने ही मॉल है और मॉल के सामने पब है, तो लोग आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों को मिलने। बार बार किसी को मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। वैसे तुम कह रही थी कि तुम मुझे याद कर रही थी, मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? डॉक्टर, एक्चुअली पापा फिसल कर गिर गए तो उनके पैर में चोट आई है। अइला, अंकल गिर गए? हा? तो डॉक्टर को बुला लो। इसीलिए तो मैं आपको याद कर रही थी। ठीक किया, कहो तो अभी आ जाओ। हाँ डॉक्टर, आप जल्दी से आ जाइए। एम्बुलेंस में पहुँच रहा हूँ। बी रेडी। हेलो, ससुराल जा रहे हो? 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, उन्हें बास नहीं आएगी जो तुमने पी है देसी लोकल रम? आइडिया। बोलिए डॉक्टर। एक मन की बात तुमसे और करनी थी। हाँ बताइए ना। तुम्हारे घर पर रम है? रम है या नहीं? हाँ है। कान खोलकर मेरी बात सुनो, अंकल के पैरों का दर्द कम करने के लिए रम की मालिश करो। अरे रे 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 रे, मैं पूछता हूँ ये क्या मजाक हो रहा है? पेट में डालने की बजाय इसे पैरों पे बेदर्दी से बहाया जा रहा है, ये थर्ड एड का आइडिया किसका है? बात ये है कि भारती किसी काम से हॉस्पिटल गई थी। वहाँ वो एक दिल के डॉक्टर से मिली, उसी ने ये करने को कहा है। डॉक्टर है वो? हाँ पापा। आइटम कहाँ है? पता नहीं, हॉस्पिटल में तुमने उसे क्या इंजेक्शन लगा दिया, तुम्हारा इनाम जब्ती रहती है। यहाँ क्या करने आए हो? कपड़े अभी मैले हो रहे, कल सुबह आके लेके जाना। पता इसे। डॉक्टर बन क्या है, धोबी बन के नहीं। एक चमाट लगाऊंगी। हाय हाय हाय। ये मेरी दीदी है, नमस्ते। ये उनके प्यारे से बच्चे। हेलो, आइए अंदर चलिए ना डॉक्टर। ये गंदी दारू की बदबू कहाँ से आ रही है? वो हम थर्ड राउंड में पहुँच। यहाँ से आ रही है। तुम दारू पीती हो? मैंने पापा के घुटने पर रम से मसाज किया, तुमने ही कहा था ना। उसी की स्मेल आ रही है। करेक्ट करेक्ट, चलो चलो चलो। हाँ चलिए। कम पाउडर। डॉक्टर, रम की बदबू में तुम्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जब इतने बड़े डॉक्टर को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या? अरे बेवड़े ज्यादा मत बोल। आप इतनी जल्दी कैसे आए डॉक्टर? एम्बुलेंस बुलाई थी। ड्रिंकिंग, रनिंग करके ट्रैफिक में एम्बुलेंस पंक्चर हो गई थी ना, तो साइड से निकल गए। पेशेंट इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के पास ले चलो। प्लीज कम। पहले तुम। चलिए आइए दामाद जी, तशरीफ रखिए। कौन दामाद जी? ये आपके फैमिली दामाद नहीं, फैमिली डॉक्टर है। आप पापा की बात का बुरा मत मानिए, ये किसी भी डॉक्टर को अपना दामाद बना लेते हैं। अच्छा। पापा चुप रहिए, इस बारे में उसे नहीं पता। कब हुआ ये? ये समझ लो कि 1 घंटा पहले। आपसे नहीं अंकल, इनसे पूछ रहा था। अच्छा। 5 महीने पहले। ये कैसे हुआ? ये सवाल मुझसे है या इनसे है? ये आपके लिए था, दीदी से मैं। ओ पापा, आपको जरा भी अकल नहीं है, जब तक आपका इलाज करे चुप रहिए। अंकल एक्सीडेंट का आंखों देखा हाल बताएं प्लीज। लो देख लो। आयुर्वेदिक दवाई है, ढक्कन खोलो और मुंह से लगा लो। अपने हाथों से पिला दो। थोड़ी और दो। चखने के लिए मुंह खोल। वाह क्या टाइमिंग है। कौन सी टाइमिंग की बात हो रही है? दवाई के टाइमिंग की। दर्द ठीक हुआ? पक्का? दवा दारू पीकर नींद आएगी? हाँ। कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ ना डॉक्टर? सब ठीक है, शाम को गिल्ली डंडा या कबड्डी खेल सकते हैं। बिना एक्सरे के इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं? एक बात पूछू तुमसे, डॉक्टर पहले आया या एक्सरे आया, बताओ। डॉक्टर। एकदम सही बोली, जब डॉक्टर एक्सरे से पहले आए तो डॉक्टर को सब पता होगा। बिल्कुल सही। अंकल दवा दारू टाइम पे लेना। बिल्कुल लूंगा। फीस की जरूरत नहीं। नमस्ते। कम पाउडर। आ चलो। अब डॉक्टर कॉफी? कॉफी नहीं चाहिए, 4th राउंड अभी बाकी है, चल रहा है। लाओ जी दवा दारू टाइम पे। डॉक्टर। अंकल जी। तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु, दिल का डॉक्टर। कॉफी मस्त थी डॉक्टर। उस वक्त आपने मुझसे कुछ कहने के लिए फोन किया था, आप अपनी बात कहते उससे पहले ही मैंने अपने घर पर बुला लिया। आई एम सॉरी। सॉरी कहके शर्मिंदा मत कीजिए। बताइए ना क्या कहना चाहते थे? याद कर रहा हूँ, अब याद आ रहा है। याद आ रहा है, याद आते ही मैसेज कर दूंगा। हाँ याददाश्त कमजोर है ना?
याद आते ही मुझे बताइएगा, इंतजार करूंगी। ओके कब? ओ चलता हूँ, याद आते ही फोन कर दूंगा। हाँ ओके चलता हूँ। तुमने तो कहा था वो कर्नल की बेटी मुझसे मिलने आएगी, यहाँ तो सुबह से शाम हो गई लेकिन वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आई, मगर तुम अपना कमीशन लेने चले आए। फिकर मत कीजिए सूर्या बाबू, वो आपसे मिलने जरूर आएगी, भरोसा रखिए। जाओ उसे लेकर आओ। ओके सूर्या बाबू। डॉक्टर आपसे इंस्पेक्टर मिलने आए हैं। हाँ भेजो अंदर। जी आइए सर। हेलो डॉक्टर, आई एम इंस्पेक्टर राकेश। हेलो इंस्पेक्टर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ तो बताइए सर, आज सुबह आपके हॉस्पिटल में एक मर्डर हुआ है। मैंने उस मामले में सारे स्टाफ मेंबर से पूछताछ की लेकिन कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अगर आप बात करें तो। देखिए इंस्पेक्टर, मैं ये हॉस्पिटल इसीलिए चलाता हूँ ताकि लोगों का इलाज भी हो जाए और बिजनेस भी, तो मैं तो अपने स्टाफ को फोर्स नहीं करूंगा कि वो गवाही दें या किसी के गवाह बन जाएं, तो आप जा सकते हैं। हेलो सुबह आदित्य पटेल। तू कौन? मैं चनिया मनिया बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे कांदीवलिया कालबा देवी? मैं इस वक्त गुजरात के रेतीले रेगिस्तान से बोल रहा हूँ, मने हेल्प चाहिए भाई। मैं हेल्प गांडो थई गयो जे। वो बोली रकम दूंगा भाई। मोड़ू खोल। मुन्ना और सर्किट ने मुझसे लहसुन की खेती करने के लिए 2 करोड़ रुपए उधार लिए थे भाई, खेती में बहुत फायदा हुआ उनको। तो लोगों ने मुझे बताया कि अगर आदि मदद करे तो पैसे वापस मिलने की गारंटी है भाई। कष्ट डायल से आपका नंबर मिला है तो झक मार के मेरी मदद कर दो। क्या करना होगा? टपका डालो। ए, टपकाने का काम मेरा नहीं है। अरे चरिया, टपकाना मतलब उसके बदन से एक बूंद खून टपकाना। आ तो गांडो थई गयो छे। आगे बोल। कल सुबह मुन्ना और सर्किट अपनी कार से लंदन से धोबी घाट अपने कपड़े धुलवाने आ रहे हैं। कार का नंबर नोट कर लो। बे 333। उन्हें किडनैप कर लेना, फिर मैं उसके भाई को फोन करके अपने 2 करोड़ रुपए वसूल लूंगा। अरे आदित्य भाई, वो गांडे का मर्डर मत करना। नहीं करूंगा। इस काम के लिए मैं आपको 50 लाख कैश दूंगा। कितना? अरे 50 लाख। 50 लाख गांडा भाई, मेरा काम सारू होना चाहिए। हो जाएगा। डन। फोन मुक। मंडल आभारी है भाई। कैसी लगी मिमिक्री? शिकार खुद अपने जाल में फंस गया। मैंने कहा था ना, बिल्ली दूध चुराने के बाद फिर वहीं जाती है। ए, कल तू अपनी कार 2233 लेकर सीधे तिरुपति के रूट पर जाएगा नारायण बनकर। ठीक है भाई। और जैसे ही वो चिरकुट वहां पहुंचेगा, उसे देखते ही तू उसका गेम बजा देना। ये ले, और उस कमीने की लाश को घसीटते हुए सीधा मेरे पास लेकर आना। ए नौटंकी, तू क्यों रो रहा है? बताओ क्यों ना रो आदी? इस शहर में कोई भी मुझसे नहीं डरता, तुम भी मुझ पे ध्यान नहीं देते, मुझे भी तो गुंडा बनना है। हाँ ठीक है ठीक है, आज ही गुंडे का लेबल लगाता हूँ। चल चल, ए गन इसको दे। ठीक है भाई। अरे गाड़ियों का चला चढ़ तो। अरे झाड़ा वर चढ़ा बंदर हाथ ना। अरे कार खराब मत करो, बच्चे होकर बंदर जैसी हरकत करते हो। ये लो ये लो। ए चुप बैठो रे। अरे बस करो, मैं गरीब हो जाऊंगा रे। बानर सेना क्या है, ऊपर चढ़ रहे हो? नीचे उतरो। ए उतरो, नीचे उतरो मैंने कहा। ए चल चल, नीचे उतर, नीचे उतर। बानर सेना को देखकर भाई की स्पीड डबल हो गई। मेरे आदमियों का फोन आया है। उनसे कहो शनिवार को हनुमान पर तेल चढ़ाए, हनुमान चालीसा का पाठ करे। चल फोन उठा, फोन उठा, बात कर। हेलो हेलो, यहाँ से सीधा तिरुपति जाओ। okay. वहाँ से प्रसाद का लड्डू ले लो, हाथी को दे दो। और हमारे लिए? ए, जटला बोला है ओटला कर। चले साड़ी साड़ी तुम्हारे साथ मंदिर जाना था ना, इसीलिए पहन ली, अच्छी लग रही है ना। चलते हैं। हाँ?
चलते हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? इस तरह साड़ी में मंदिर जाना चाहती हो? वैसे अच्छी लग रही हो, पर देखने वाले गलत समझेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सुहाग रात। पर क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो, लोगों का काम है। अब बोलना। मैंने पहली बार साड़ी पहनी है ना, तो सेल फोन। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। ये मेरा फोन नहीं है, चौड़ी कहानी है। मिनिस्टर की पत्नी के पति का भाई एडमिट है, पीयूसी में आईसीयू में भर्ती है। पत्नी का फोन मिनिस्टर बार बार नहीं उठाता, इसलिए पत्नी ने फोन मुझे गिफ्ट किया। एक मिनट। भाभी जी, कमीने, मेरा भाई कहाँ है? शांत हो, पर मत हो। इसी वक्त मेरे भाई को छोड़ दे वरना। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। गोली उनके होल से निकाल दी गई है, टाके भी कम आए हैं, डिस्चार्ज मिल जाएगा। आप जाकर खटिया का और नर्स का चार्ज दे दीजिए। मेरी 50 लाख की फीस नहीं देंगी तो चलेगा भाभी जी? डॉक्टर, मेरे मन की इच्छा पूरी करोगी? अपने तन की साड़ी उतार दो ना। साड़ी उतारू? डरो मत, क्रीज खराब होगी ना। उतारो, इस्त्री कर देता हूँ। वाव, तुम तो मस्त स्त्री करते हो। चड्डी पहनता था तब से एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस? कभी कभी मेंटल पेशेंट आते हैं ना, तो उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए स्त्री का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए। ये लो। ये साड़ी भी तुम्हारी है? हाँ, क्यों? जैसे मैं इसे पहनता हूँ, तुम पहनना। कमर से शुरू करेंगे और सर पर इसे खत्म करेंगे। आर यू रेडी? ओके। साड़ी का कुप्चा पकड़ो और इसे पेटीकोट के सेंटर में इसे घुसाओ, इस तरह। ये होने के बाद गोल गोल रानी इतना इतना पानी की तरह घूमो, फिर ऐसे। ये लो, हो गया। अब तुम ट्राई करो, देखो। मैं खुद पहनूं? तुम मदद नहीं करोगे? मैं पहनाऊं? याद है उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? उस दिन याद है ना मुझे, पर शर्म आ रही है, क्या करूं? हेलो। इतना मिस कॉल क्यों मार रहा है वे? कोई काम है क्या? पहले मेरे भाई को किडनैप किया, फिर इस खुशी में लड्डू भेजा। घटिया थर्ड क्लास कॉमेडी करने वाला तेरा भाई आज ट्रेजेडी किंग बना है, सामने ही बैठा है, मेरे को बेवकूफ बनाने चला था। गलती से भी मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो तू नहीं जानता मैं क्या करूंगा। छोड़ दे उसे। इस बंगार को रख के क्या करूंगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो मेरे दूसरे 50 लाख का क्या होगा? एक काम कर, तू माल लेकर आ और इसे ले जा। जल्दी बोल कहाँ आना है। सावली नदी के तट पर झटपट आ जा, मैं वहीं डट कर बैठा हूँ। क्या बोला? फोन की बैटरी लो हो रही है रे, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया ना तो तेरा मेरा कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट हो जाएगा। ये मेरा एक काम करेगा, आते वक्त मेरे लिए 150 का चार्जर लेकर आना। चार्जर? तू 150 का चार्जर भी नहीं खरीद सकता? फोन तेरा यूज कर रहा हूँ, चार्जर मैं लेके आऊँ? क्या रे तू भी? 50 लाख की डील कर रहा है और 150 के लिए सोच रहा है? चार्जर चाहिए मुझे। सब तैयार है ना? भाई मैंने 50 आदमी को बुलाया है, सब के सब झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। आने दे उस चिल्लर को। भिड़ू! अरे इधर देख, इधर। बैटरी खत्म हो गई, इसीलिए भोंगे से बात कर रहा हूँ। ये तो नदी के उस तरफ है, अपने पंटर उधर ही है ना? भाई आपने तो इसी तरफ कहा था ना, सबके सब इसी तरफ छिपे हैं, वो उस तरफ से आएगा ये किसको पता था। पैसे और चार्जर तो लाए ना भिड़ू। हाँ दोनों रेडी है, यहाँ आकर ले जा। मैं तेरे येड़े भाई की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो नदी क्रॉस करके वहाँ आऊँ। तो ऑनलाइन ट्रांसफर करूँ? अले तेरे सामने जो टोकरी वाली नाव है ना, उसमें पैते दाल और धक्का मार। अबे पता चलाते, तेरे चक्कर में मैं भी पैसे डूब गए तो। अरे पैसा मेरा है, टेंशन तेरे को काय को। चल फटाफट बैग डाल। भिड़ू चार्जर, चार्जर मत भूल। भाई पूरे 50 लाख है, पानी में डूब गए तो। भाई उसने नाड़ी खींची।
सांस अंदर बाहर हो रही है ना? नहीं भाई, तकलीफ हो रही है, नकाब उठाऊं? बिड़ू, तेरे कॉमेडियन भाई को सिर्फ मिमिक्री करनी आती है, इसके पीछे 50 लाख खर्चा करने के बजाय भाड़े के टट्टू बुला लेता, ज्यादा खर्चा नहीं आता, 500 रुपया पर डे। इस गधे भाई को ले जा, मैं पार्टी करने चला। तुम टेंशन मत लो, ये सिगरेट पियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर एक अच्छी खबर है। बोलो। आदित्य को अरेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका मिला है, उसका एक आदमी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, अगर आप परमिशन दे तो हम लोग आज ही उसे अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस में आकर कितने साल हुए तुम्हें? तकरीबन 6 महीने सर। लगता है तुम्हें कमिश्नर बनने की जल्दी है। आज जो गवाह बनने के लिए तैयार है, कल वो कोर्ट में मुकर गया तो तुम्हारे घर में तुम्हें बैड न्यूज देनी पड़ेगी। मेरी नौकरी चली गई। डिपार्टमेंट क्रिमिनल को पकड़ने पर प्रमोशन देता है और पकड़ने पर इनाम मिलता है। पिछले 5 सालों से आदित्य की फाइल मेरे पास ही है, उसके साथ क्या करना है मैं जानता हूं। तुम किसी जेब कतरे को पकड़ के प्रमोशन ले सकते हो। आदि, मीडिया तुम्हें सपोर्ट करने का मुझ पर खुलकर इल्जाम लगा रहा है। तुम बिना इन्फॉर्म किए यहाँ टहलते हुए आ जाते हो, जैसे तुम्हारा ससुराल हो। अरे मैं सेलिब्रिटी हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया, मैं एक कंप्लेन लिखवाने आया हूँ। कैसी कंप्लेन? अरे मेरा मोबाइल कहीं खो गया है। मोबाइल खोना आजकल ऐसे हो गया जैसे बच्चे स्कूल में अपनी पेंसिल खो देते हैं। मोबाइल कंपनी में फोन करके नया सिम ले लो। अरे मैं ऐसे 100 सिम खरीद सकता हूँ, लेकिन उस मोबाइल में कुछ ऐसा है जिसका कनेक्शन तुमसे है। क्या कहना चाहते हो? पिछले शनिवार की दोपहर को तुम क्या कर रहे थे? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे करतूत की एक क्लिपिंग उस मोबाइल में स्टोर है। उसे क्यों रिकॉर्ड किया? क्या जरूरत थी? क्यों और किस लिए रिकॉर्ड किया बताने की जरूरत नहीं है, मैंने वो सब अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मोबाइल चोरी हो जाएगा और एक सिरफिरे के हाथ लगेगा। तुमने उसी वक्त उस चोर को क्यों नहीं मारा? वो बहुत ही शातिर चोर है, अपनी सेफ्टी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उस चिल्लर की वजह से मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचो अगर उसने तुम्हारा वीडियो देख लिया तो हाई कोर्ट में तुम्हारी इज्जत नीलाम होने से कोई माइकल लाल बचा नहीं पाएगा। सोचो पूरे शहर में बदनाम हो जाओगे तुम। देखो तुम्हारे पास पावर है, एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करो और उस कमीने को ढूंढ निकालो। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। हमारा कनेक्शन तो हो गया, फोन की क्या जरूरत? ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हें फोन इसलिए दे रही हूँ ताकि जब मेरा मन करे तो तुमसे बात कर सकूं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं रख लूंगा डार्लिंग। जरा देखो। कहाँ? वहाँ उस तरफ। दिखने में तो पढ़े लिखे और अच्छे घर के लग रहे हो, इस तरह चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? सॉरी बहना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना चाहता था इसलिए। अगर उसे इस बात का पता चला तो क्या वो तुमसे प्यार करेगी? उसके बॉयफ्रेंड ने चोरी का मोबाइल गिफ्ट किया है, इस बात को सुनकर खुश होगी? थूकेगी तुम्हारे ऊपर। आदित्य एक बहुत बड़ा डॉन है, डॉन का फोन चुरा कर तुम क्या साबित करना चाहते हो, कि तुम बहुत महान हो? एक गुंडे को लूटने वाला उससे भी बड़ा गुंडा होता है। तुम तो मेरी भी प्रॉपर्टी हड़प कर लोगे, अगले 7 जन्म तक तुम्हें बैन करती हूँ। छी, विष्णु, विष्णु कहाँ खो गए? उसे तो पुलिस पकड़ कर ले गई। लड़की लवर को चोर बना देती है, लानत है। हर कोई तुम्हारी तरह शरीफ नहीं होता ना, आई एम वेरी लकी। चलो चलो अपनी पसंद का मोबाइल ले लो। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, एक पेशेंट को जुकाम हुआ है। कौन सा पेशेंट? मेरा अफेयर या मोबाइल तुड़वाएगा? भारती को चोरी करने वाले और खासकर मोबाइल चुराने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सच्चाई का भांडा फूटे उससे पहले मैं इस मोबाइल को डोनेशन हांडे में डाल देता हूँ और ब्लैकमेलिंग के पैसों को गरीबों में बांट दूंगा ताकि मेरी लव स्टोरी हेट स्टोरी ना बन जाए। मेरे यार, तूने कहा था कि हर इनकमिंग कॉल पर इनकम आएगी और तू मोबाइल दान पेटी में डाल रहा है। अगले 24 घंटे में इस मोबाइल से जो भी कमाई होगी उसे गुरु दक्षिणा समझकर मुझे दक्षिणा दे देना। उस दान पेटी में नहीं, अपने गरीब दोस्त की इस दान पेटी में डाल देना। मेरी बहुत हटी हुई है, आज तू रहेगा या तो ये मोबाइल रहेगा। 4 दिन नहीं, 2 ही दिन रुक जा। अबे क्या चुंबक की तरह चिपक रहा है? अपने गरीब दोस्त की कसम मत डाल। अरे इतनी खराब कर रहा है, डालने दे। नहीं डालने दूंगा, नहीं डालने दूंगा। खामोश।
तेरी इस फोन में जान अटके तो एक टेस्ट हो जाए। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर कोई फोन आया तो इस फोन का मालिक तू, वरना इस फोन को भूल जा तू। थोड़ा धीरे धीरे गिनती गिनना, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, प्लीज। वन, भगवान। दो, घंटी बजा, धीरे गिनो। घंटी बजा, बजा, घंटी बजना, बजना, बजा। मेरे यार, ये इनकमिंग कॉल नहीं, इनकम की कॉल है, उठा ले। बात कर, बात कर, बात कर। हेलो। अरे ये वही है। बात कर रहा हूँ। कौन है? हेलो विष्णु, कैसे हो? हाँ, तुमने तो कहा था इस फोन के बारे में कोई तीसरा नहीं जानता, लेकिन ये तो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रही है। माँ कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हेलो, मैं आदि बोल रहा हूँ, विष्णु नाम के किसी को नहीं जानता हूँ, सॉरी रॉन्ग नंबर है। नाम विष्णु वर्धन, पापा लॉन्ड्री चलाते हैं, इंद्र कॉलोनी में घर है। इतने डिटेल्स काफी है या फिर पूरी कुंडली पढ़ना पड़ेगा? तुम ये मेरे को इस रूट की सभी लाइनें? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, गौर से मेरी बात सुनो। तुमने आदित्य से जो 1 करोड़ लिए, उसमें से 10 लाख निकालो और 10 मिनट के अंदर मुझे वैल्यू फोरम मॉल में आकर मिलो। भूलना मत, 10 मिनट के अंदर। अगर नहीं आऊँ तो? कौन है ये? 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। दस लाख चाहिए। हेलो। जैसा कहूँ वैसा ही करना। वही कर रहा हूँ दीदी, बोलो। पास में तुम्हें एक कॉफी शॉप दिखाई दे रही है, दिखी अब क्या? वहाँ जाओ और फोन मत काटना। अंदर जाकर कॉफी पी लूँ? अंदर नहीं जाना है, बाहर खड़े रहो। क्या करना है? तुम्हारे पीछे एक डस्टबिन रखा है। तू डस्टबिन? ओ हाँ हाँ हाँ, आगे क्या करूँ? पैसों को डस्टबिन में डालो। कन्फर्म इसी में डालना है? कहा ना, डालो। डाल दे, डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप? गुड। एक और बात, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, अब बिना पीछे देखे बाहर चले जाओ। फोन ऑन रखूं? फोन काट रही हूं। मेरे यार, अगर उसे पता चल गया कि हमने पैसों की जगह ईंट रखी है तो वो आदि से बोलकर हमें मरवा डालेगी। चलना। ये मिशन अनऑफिशियल है, इट शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट। हर हाल में उसे पकड़ना है, समझ गए? देख किसका है। मित्रवर, कहीं ये वही तो नहीं जिसे हमने बेवकूफ बनाया? लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं फारूक खान बोल रहा हूँ, कस्टमर केयर सर्विस से। आपकी बिल पेमेंट की आज लास्ट डेट है सर। बिल कितना है? बिल 1700 रुपए है सर। अपना तो सिर्फ इनकमिंग चालू है। सर आप चाहे तो 50% पेमेंट कर सकते हैं। करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, वैसे इस वक्त आप हैं कहाँ? वडाला के पास, मड़ीवाला। यस सर। मड़ीवाला में एग्जैक्टली कहाँ सर? कायको। हमारा एजेंट वहाँ आकर आपसे पैसे कलेक्ट कर लेगा। जरूरत नहीं है, मैं रास्ते में ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा। सर आप वहाँ कितने बजे तक पहुँचेंगे? बाइक की स्पीड के हिसाब से 15 मिनट में। थैंक यू सर। ठीक है, ए फोन काट। हे, तुरंत मड़ीवाला पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो, उन्हें मोबाइल कंपनी के आउटलेट पर टीम भेजने को कहो। मेरी जिंदगी के साथ खेलने वाले को मैं खेल दिखाऊंगा। इन्हें इन्फॉर्म कर दिया? हाँ, सुनिए, वो किसी भी वक्त आ सकता है, उसके आते ही हमें इन्फॉर्म कीजिए। बी अलर्ट। ओके। बाइक का ध्यान रख, जल्दी आना मेरे भाई। थैंक यू। नेक्स्ट, आपका नंबर क्या है सर? ये आदित्य का मोबाइल चुरा कर उसे ब्लैकमेल करता है। रास्कल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है। बता कहाँ है उसका मोबाइल? तू हेयर तेल का कस्टमर केयर बनकर मुझे फोन करेगा और मैं कस्टमर बनकर वहां पर आऊंगा और तू पुलिस की वर्दी पहनकर आएगा और मुझ जैसे गुंडे को रंगे हाथों पकड़कर ले जाएगा? कितना बेवकूफ है रे तू। अगर ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो आदि मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा और इसीलिए बिल उसी को भरने कहा। कहाँ है तू इस वक्त? मैं तेरे कवरेज एरिया में ही हूँ रे। तू जिस दुकान के अंदर गया ना उसके सामने ही खड़ा हूँ, आ जाना बाहर। hey, कहाँ पर है तू? मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तूने मोबाइल लिया ना? किसका मोबाइल? कौन सा मोबाइल?
चल भाग भाग भाग। पागलों की तरह चिल्लाने से मैं मिल जाऊंगा क्या? जरा अपने राइट में देखना। अबे लेफ्ट में कहाँ जा रहा है? पढ़ा लिखा है कि नहीं? राइट लेफ्ट का डिफरेंट नहीं पता? मेरे से पंगा मत ले। अरे चिल्लाना बंद कर और मेरी बात सुन। फोन ट्रैकर के सिग्नल को फॉलो करके तुम बहुत आसानी से मेरे मोबाइल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मोबाइल किसके पॉकेट में है ये कैसे पता करेगा रे तू? बाय द वे, इस महीने के बिल का पेमेंट हो चुका है, अगले महीने का बिल आने तक बाय गर्ल्स। हाय कोने कोने कोने। अबे डरा क्यों रहा है? बच्चे की जान लेगा क्या? मेरी पहले से हालत खराब हुई पड़ी है और तू यहां मुझे धक्का मार के डरा रहा है, मैं मर जाऊंगा तो? डराने की तो मेरी बचपन से आदत रही है। उस एसीबी को तो मैंने मेंढक की तरह फुदक फुदक कर भगाया और मेरा दिल चींटी की तरह धड़क रहा है। ए, 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 साले पानी डालता है, कार का कांच तोड़ दे, समझता क्या अपने आप को? इट देख, मार इट, अरे इट मार, देखता क्या है, मार साले को। मार। इतनी फास्ट ड्राइविंग करके हम पे कीचड़ उछाला और यहाँ स्लो मोशन में चलकर आ रही हो? दिखता नहीं है तो चश्मा उतार कर गाड़ी चलाया करो। हंस रही है? अगर तुझे लेफ्ट में जाना था तो तू हाथ हिला के इशारा करके जाती ना। हाँ, हमें इशारों की भाषा आती है। हंस रही है? लगता है तुम्हें ईंटों का बहुत शौक है। रस्ते में पड़ी थी, तुम्हें क्या? वन सेकेंड, ये क्या करने वाली है? पता नहीं। अरे पकड़ पकड़ पकड़, ये तो वही है। ये तो डस्टबिन में था ना, इसके पास कैसे आया? अच्छा ये वापस देने आई हो? हाँ, वहाँ गलत पार्सल रख दिया। अरे कहाँ? कॉफी वाले के पास, इसलिए आई है। हाँ, अब पैसे रेडी है, मैं अभी आपको देता हूँ। पैसे नहीं चाहिए मुझे, देखना चाहती थी कि तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो। मान गई, तुम तो खिलाड़ी निकले, शायद तुम मेरा काम कर पाओ। जो भी काम दोगी ये करेगा करेगा करेगा, हम करेंगे करेंगे, समझना यार। जान बात कर, काम बताइए। वैसे तो तुम्हें ये काम मैं फोन पर भी बता सकती थी, लेकिन उस तरह फोन टैपिंग का खतरा रहता है, इसलिए फोन पर नहीं बताया। मैं ये चेक करना चाहती थी कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए मैंने तुम्हें मॉल में बुलाया, तो नहीं रहा। ना कि 10 लाख रुपए के लिए। अब ये तो कंफर्म हो गया कि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। एनीवे, सीधे पॉइंट पर आती हूँ, गौर से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देती हूँ और उसमें तुम्हें आदित्य को मारना होगा। अगर तुमने आदित्य को नहीं मारा तो मैं तुम्हारा पूरा बायोडेटा आदित्य को फॉरवर्ड कर दूंगी, और उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा ये बताने की जरूरत नहीं। और इस बार मुझे धोखा देने में अपना टाइम मत वेस्ट करना। तो जल्दी डिसाइड करो, उसे मारोगे या तुम मरोगे? द चॉइस इज ऑल योर्स। 24 आवर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। खाने को दो मिल जाए रोटी, पीने को दो ग्लास पानी, पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़ा, मेरे भोले भंडारी। ओ बुरखे में कौन है? शायद कोई कपड़े देने आई होगी। मैडम कपड़े प्रेस करवाने हैं। मैं हूँ अंकल। अबे नालायक कहीं का बुरखे में घूम रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? चल उतार, उतार इसे, चल उतार। ए, रुक, 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 रुक। देखते देखते 24 घंटे बीत जाएंगे लेकिन तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। तू यही रुक, मैं कपड़े देकर आता हूँ। हाँ जाओ जाओ। टेंशन मुझे भी हो रही है लेकिन सबके सामने उसकी पब्लिसिटी करके प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होने वाली ना। चल पीछे बैठ। पर जाना कहाँ है? तो मेरा बाप है जो जवाब दूँ। चल बैठ। दुश्मन का दुश्मन अपन का फ्रेंड। हाँ। वो आदि को मरवाना चाहती है, इसका सीधा मतलब है कि वो उसकी दुश्मन है। ये क्या? हम कर्नाटक मेडिकल सोसाइटी से हैं, हम सभी अंधे गूंगे और बहरे हैं। अरे यार ये देश तरक्की कब करेगा? अरे अम्मा तुम लोग तो सिर्फ गूंगे और बहरे हो, हम लोग तो थोड़ी देर में मुर्दा होने वाले हैं। क्या वो सच्ची हमें मरवा देगी? अरे अगर उसने हमें मरवा दिया तो आदि के खून के लिए वो दूसरा बकरा कहाँ से ढूंढेगी? मतलब लंगूर। यही है वो, हमें देख रहा है, वो आदि है। अब तो गए काम से, चल भागते। भगवान आज बचा ले मुझे। ये मैराथन बनकर और पीछे बैठ, जल्दी कर। अरे अरे वो सामने देख।
अरे नो एंट्री है। सामने से हट। अरे ये हमारे नहीं किसी और के पीछे पड़े हुए थे। हट। मुझे माफ कर दीजिए। सिगरेट भी। मैं सिगरेट नहीं पीता। ये वही चिरूट है जो इंस्पेक्टर ने दी थी। वो हमारा चिरूट बनाकर फूंके, उससे पहले निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, जल्दी करो। मेरे सामने चिरूट पीने की हिम्मत नहीं है, लेकिन गवाही देने की हिम्मत है। जल्दी से नोट डाल। ए, ए, रुक जाओ। चुपके चुपके क्या देख रहा था? ओए बॉस, तुम लोगों से कुछ पूछ रहे हैं। चुपकाई को गूंगे हो क्या? हम गूंगे और बहरे हैं, हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। ये पर्ची पढ़ने के बाद खाली हाथ मत जाना, वरना तुम भी हमारी तरह गूंगे बहरे हो जाओगे। आदि, लगता है इनका स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों खराब है। सर, आपके सामने का पोस्ट ऑफिस खुला है। मैं सच कह रहा हूँ कि दो मिनट पहले मुझे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता था, लेकिन आपको देखते सब कुछ ठीक हो गया। पिक्चरों में हो रहा है ना वैसा चमत्कार हो गया। मंदिरों में सर पटकने से जैसे आंखें वापस आ जाती है, वैसे इसकी भी दिव्य ज्योति वापस आ गई और मेरी आंखें खुल गई। तुम्हें भी मुबारक हो। बकवास बंद, बता पहले नाटक क्यों किया? पहली बार मर्डर होते हुए देखा, हमें लगा कि आप भी हमें सिगरेट पिला के मार देंगे। माफ कर दो। नाम क्या तेरा? मेरा नाम शास्त्री है, मेरे बाप का नाम रवि शास्त्री था और मेरे बाप का बाप अर्थशास्त्री था। ये सब लोग मेरे पैदा होने से पहले ही मर गए। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, लोगों की कुंडलियाँ देखकर अपनी छह वक्त की रोटी का जुगाड़ करता हूँ। मुझे मत मारो, अगर तुम लोग मुझे मारोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। हमें बेवकूफ समझाई क्या? बेवकूफ तुम नहीं, हम है। अबे तुम कुछ बोलना। तू कौन है? मैं नहीं जानता, मुझे भूलने की बीमारी है। वहाँ जो मर्डर हुआ उसे भी मैं भूल गया। इन तिरछी आंखों से मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने तुझे कहीं ना कहीं तो देखा है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा। कुछ ठीक से मुझे मम्मी की याद आ रही है। कहीं ना कहीं तो देखा। आदित्य भाई से बात कर रहा हूं। उसे तू आदि एसीपी लाइन पर है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हाँ एसीपी बोल। मैंने कई मोबाइल चोरों को पकड़ के रखा है, वो दूसरे मोबाइल चोरों की आवाज जानते हैं। अगर इन्होंने आवाज पहचान ली तो आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसका वक्त आ गया है। गुड, मैं अभी उस कमीने को फोन करता हूँ। बाइक पे किक मार। ए, बाइक बंद कर। ए, स्टॉप इट आई सेड। मुश्किल से चालू हुई है, फिर से चालू नहीं होगी। बंद कर इससे। ए, निकल। निकल बे। निकल जा। अबे हाँ बे। ए, चल रहे। भगाओ। भग निकले, बच गए, बच गए, बच गए। भगा, 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 भगा। इसे गाड़ी में डाल। वो लोग तो आज मुझे मार ही डालते, मुझे दूसरा जन्म मिला। अबे तू क्यों हंस रहा है? मजा देखेगा। जरा मेरा मोबाइल ऑन करना। नमस्ते भिड़ू। कहाँ मर गया था कमीने? अरे फोन के मालिक की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। कहाँ है तू इस वक्त? अरे बता के क्या फायदा है, तू मुझे ढूंढ पाएगा क्या? मैंने सब देखा। क्या देखा तूने? जब तेरे सामने था तभी तो कुछ नहीं उखाड़ पाया। अब क्या तोड़ेगा? क्या क्या बोलना क्या चाहता है तू? लगता है तू भी शॉर्ट टाइम मेमोरी है। नदी पर मिले थे तब मैं कहाँ खड़ा था? तेरे आगे या पीछे? सामने खड़ा था ना। एक खून चाय की तरह मत उबाल भिड़ू। वैसे तो इतनी देर से मेरी बिना सिर पैर वाली बकवास क्यों सुने जा रहे? कहीं तुझे उस गधे एसीपी ने कोई ब्रिलियंट आइडिया तो नहीं दिया?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा बोलने की? एसीपी, तुझे मुंह खोलने की जरूरत क्या थी गधे? वो मुझे गधा बोलता रहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? तूने ही आइडिया दिया और उसे चौपट भी तूने ही कर दिया। उस कमीने चोर ने सही कहा, तू एक नंबर का गधा है। ये क्या है आदित्य, अब तुम भी? ए, चल मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ मिस्टर आदित्य पटेल। मैं तेरे घर पर आऊंगा, तेरे डाइनिंग टेबल पे अपना आसन टिकाऊंगा, भरपेट खमन ढोकला खाऊंगा, फिर तेरे एसी वाले बेडरूम के बड़े से पलंग पर लेटूंगा और तेरे ही मुस्टंडों से मैं राई के तेल से मसाज कराऊंगा। फिर भी तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा मोरा भाई, इसलिए हटा सावन की घटा। फोन कट। इस फोन को साइलेंट मोड पे रखना बेटर है। वो क्यों? झोलझाल में फंसना है क्या तेरे को? हे भगवान। ए, तुमने अपने खिलाफ गवाही देने वाले को भी इस दुनिया से भेज ही दिया ना? और कितना कितना जुल्म करोगे? हाँ, तेरा भी खड़ा भरेगा, निकल। सर, आप मुझे पैसे देने की बात कर रहे हैं? मुझे तो भगवान ने आंखें तक नहीं दी हैं। अगर मैं अपनी आंखों से देख पाता तो आपको जरूर बता देता कि कौन था वो आदमी जिसने फोन किया था। आदि, मुझे लगता है हमें इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। ये बताओ, उस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और भी था? नो सर। देखो आदि, ये तुम्हारे मोबाइल के आउटगोइंग और सारे इनकमिंग कॉल्स की लिस्ट है। जिस दिन से तुम्हारा फोन गायब हुआ तब से तुमने इस पर 5 कॉल किए, मैंने 3 कॉल किए और वहाब ने चेन्नई से 1 कॉल किया। इन कॉल्स के अलावा 2 और इनकमिंग कॉल्स भी हुई हैं, लेकिन दोनों किसी एसटीडी बूथ से की गई हैं। एक 11:10 और दूसरी कॉल 11:22 के आसपास। ये कॉल्स लैंडलाइन के बजाय अगर मोबाइल से की गई होती तो हम उसे अरेस्ट कर लेते और उसके जरिए हम चोर तक पहुंच जाते। बट दिस वॉज अ पब्लिक फोन, वहां काम करने वाला अंधा है, तो अब ऐसे में वो मोबाइल चोर हमारे सामने खड़ा होगा तो भी हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसी बातें सिर्फ निकम्मे लोग ही करते हैं जो कुछ नहीं करना जानते। कुछ भी करो, लेकिन उसे मेरे सामने लेकर आओ। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते ये आपसे मिलने जरूर आई थी सूर्या बाबू, लेकिन इस कमीने ने बना बनाया खेल बिगाड़ कर रख दिया। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो मैं इसे शादी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। शायद इसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मेरी भारती को मुझसे छीनेगा, मुझे इसे बताना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। रास्ता कैसे भूल गया डॉक्टर? ये इंदिरा नगर में रहने वाले किसी धोबी की औलाद है। जिस लड़की से शादी करने के सपने मैं बरसों से देख रहा था, इसने सबको चौपट कर दिया और अब ये उससे शादी करना चाहता है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है आदित्य भाई, इस आदमी को भारती से दूर करो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस काम के लिए जितने पैसे लगेंगे मैं अरेंज करवा दूंगा, वो भी कैश में। हे सूर्य प्रकाश, तुमने मेरी कितनी बार मदद की है, डोंट वरी। भैया, मैंने तुमसे कहा था ना, इससे कोई ना कोई तो कनेक्शन है। इसे देखते ही लगता है कि ये मेरा शिकार है। इसकी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। लेकिन एक काम करते हैं, तुम खत्म कर दो इसे। यार विष्णु, मेरा दिल कर रहा है कि कोई मोटी ताजी हट्टी कट्टी लड़की देखकर घोड़ी चढ़ जाऊं बस। अबे तुझे लड़की देगा कौन, तेरी शक्ल देखी? अरे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तेरा बेटा है ना? हाँ मेरा बेटा है, लेकिन तुम लोग कौन हो और तुम्हें उससे क्या काम है? तेरे बेटे ने किसी बड़े आदमी से पंगा लिया है, वो जहाँ भी है जाके बुला उसको। क्या, मुझे कुछ नहीं पता। तू यहाँ फुटपाथ पे बैठ के लॉन्ड्री चलाता है और तेरा बेटा इस पूरे एरिया को खरीदने का सपना देख रहा है। तुमने तो कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जरूर उस ईंट वाली ने आदि से हमारी शिकायत की होगी। एक बार तो वो बच गया पर अब नहीं बचेगा। चुपचाप बता तेरा बेटा कहाँ मिलेगा, जल्दी बता। लेकिन मेरे बेटे ने किया क्या है? उस लड़की ने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया रे। मुझे पता है तू ऐसे नहीं बताएगा, तेरी तो। Ah!
ये गुंडे कौन थे और तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे? बात कुछ यूं है कि बात कुछ है ही नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना। पूरी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें इसलिए बड़ा किया ताकि अपनी आंखों के सामने मैं तुम्हें यूं मरता हुआ देखूं। विष्णु, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? अगर तुम्हें तुम्हें कुछ हो गया ना विष्णु, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अंकल, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका बेटा शैतान मंत्री बनेगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए फोकट में इमोशनल काय को हो रहे हो। चलो आंसू पहुंचो, बी अ गुड बॉय, रोना बंद। पिताजी, अगर मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे एक मोबाइल दिलवा दो ना। अरे हाथ छोड़ मेरा, मेरे दिल के जज्बात तू कभी नहीं समझेगा। मोबाइल नहीं दिलवा सकते और खामखा जज्बाती होकर आंसू बहा रहे हो क्या यार? ए पंडित, चल रहे? अरे बाप रे, ये महल तो मेरे सपनों से भी बड़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस इंडिया में आ गया हो। अबे धीरे बोल। मगर ये महल है किसका? बताऊंगा ना तो उछल पड़ेगा भिड़ू। श्रीदेवी का है क्या? अबे उस गुंडे आदि का घर है। तो मुझे आगे लेके आया तू? बेटा घर को तेरा, मुझे सुसु आई है, सुसु कर लेता हूँ, निकलना चाहिए। तू इतना डरता क्यों है? क्योंकि मेरे डर के आगे जीत नहीं सुसु है। अबे मैं हूँ ना। इसी बात का तो मुझे डर लग रहा है। तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। हाँ मैं तेरा दुश्मन ही हूँ। अब हम दुश्मन के घर पर एंट्री करेंगे, वो भी बैकडोर से। वहाँ जाकर हम उसे ये मोबाइल पकड़ा देंगे और उसे कहेंगे कि हमने बाइक की डिक्की में 1 करोड़ रखे, आके ले ले। उसके पैरों में गिरकर हम उसे जकड़ लेंगे और फिर हम उससे दया की भीख मांगेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसे गुस्सा आ जाएगा ना, और वो हमें जान से मार देगा। की बात तो सुन। सुनाओ। जब वो गुस्से से उबलेगा तब हम उससे कहेंगे कि एक लड़की है जो हमें ब्लैकमेल कर रही है, उसने हमें कुछ लोगों को मारने की लिस्ट दी है, उसमें आपका नाम सबसे आगे है। हम उसे पटा लेंगे, हम उसे उस लड़की को मारने की रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग बच जाएं। उसके बाद क्या होगा? होना क्या है, अब फिर उसका गुस्सा उस लड़की पर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद वो हमें छोड़ देगा? मतलब छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब उसके गुंडे हमारी धुलाई करेंगे, हमारी तो हवा ही निकल जाएगी। I'm sorry. कंट्रोल करना। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो और ज्यादा डरा रहे हो। अब तो शुरुआत है, हमारी धुलाई कई दिनों तक चलती रहेगी, सुबह शाम अलग अलग शिफ्ट में चलेगी। गलतियाँ तुम करो और तुम्हारी वजह से बेवजह मैं पिटता फिरूं। अबे जबान बहुत चलती तेरी। टेप रिवाइंड करके ब्लैक एंड व्हाइट में तुझे कुछ रिवाइंड करके दिखाता हूँ। मेरी बहुत हटी हुई है, आज तू रहेगा या तो ये मोबाइल रहेगा। 4 दिन नहीं, 2 ही दिन रुक जा, तुझे अपने गरीब दोस्त की कसम मत डाल। इतनी खराब कर रहा है, डालने दूंगा नहीं डालने। सब कुछ याद आ गया ना? नाड़ा ठीक से बांध वरना कोई भी खींच लेगा। चल अंदर एंट्री मार जल्दी। पहले मैं नहीं, पहले तुम जाओ। क्या कहा? पहले तू एंट्री मारेगा फिर मैं फॉलो करूंगा। चल अंदर जा। अरे आराम से, फिसलना नहीं। यार से यार, दिखने में तो साला चूहे जैसा लग रहा था। मौत को सामने देखकर बिल्ली भी शेरनी बन जाती है। जिस एसीपी पे इतना भरोसा किया वो साला एक मोबाइल भी ढूंढ नहीं पाया और बोलता पकड़ बढ़ाओ। ऐसे ही इतने पंगे तो वो लड़के से पंगा काई को लिया। अरे गधे, हमने डॉक्टर से उसे मारने का वादा किया था, समझा तू? समझ गया, इस मैटर को दूसरी तरह हैंडल करना होगा। ए शास्त्री, यहाँ क्या कर रहा है? घर उस तरफ है, चल जल्दी। तुमने पिटने वाली बात बताई थी, काटने वाली नहीं। मुझे सुसु आ रही है, अब क्या करेंगे हम? भगवान, यहाँ मत करना, मैं मरना नहीं चाहता। डॉगी, कुत्ते भैया, रॉबर्ट, काटना नहीं। जॉनी, यस पापा। नींबू है तो देख। देखता हूँ। देना, जल्दी नजर उतार इसकी। नींबू नींबू, कैच कैच। हमने अपने उस आदमी को मार दिया जो कोर्ट में हमारे खिलाफ ये गवाही देने वाला था कि फूलचंद को हमने मरवाया,
इंस्पेक्टर राकेश ये सारे राज जानता है और हमें अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब इतने सारे झमेले हैं तो और एक पंगा काय को। चल 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 निकल निकल। ये नींबू कहाँ से आ गया? ये तो तेरा वाला ही है। क्या चाहिए? नींबू ले, नींबू ले, नींबू से खेलेगा। गुड बॉय। कैच इट। तू एक बात ध्यान से सुन, जिसने भी मोबाइल चुराया है वही हमारा दुश्मन है, और वो कमीना पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उस लॉन्ड्री वाले बेटे का क्या नाम है जानता है? विष्णु। उस मोबाइल चोर को इंदिरा कॉलोनी का एड्रेस दे और विष्णु को टपकाने का काम उसे सौंप दे। उससे बोल काम पूरा होने के बाद तुझे 50 लाख रुपए देंगे। भगवान रक्षा कर। भगवान रक्षा कर। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही वो बौखला जाएगा और 50 लाख की लालच में उसे जरूर मारने जाएगा। और ऐसे में तू अपने आदमियों से कहना कि उस पर 24 घंटे नजर रखे, फिर होगा एक तीर से दो शिकार। समझा कि नहीं? क्यों ललो? सॉरी यार, जब मुझे डर लगता है तो मेरी सारी हवा फूस हो जाती है। यहाँ कोई नहीं है। बॉस घर पर ही है, तू रुक मैं बाहर आता हूँ। भगवान बचा। पंडित, पंडित, पंडित। अबे कितना कंफ्यूज करता है। तेरी गलती है। एक बात बता, अगर हमें उससे माफी मांगनी थी तो हम लोग मेन गेट से अंदर क्यों नहीं आए? बात में लॉजिक है? मेरी हर बात में होता है। यड़ा, तो पहले क्यों नहीं आइडिया दिया? तू अबे तेरा प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम क्या है सर जी? जाओ ना, जाओ ना। अरे बॉस का कुत्ता किधर है? ये ले नींबू। चल चल जा, ये ले। कौन है भिड़ू? माय बाप बॉस। बॉस वो नहीं, असली बॉस तो तुम हो। कैसे आज इतना सन्नाटा क्यों है? किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? एक राक्षस के घर में नरक की तरफ जाती हुई सीढ़ियों के नीचे छुपा हूं, इसलिए डर रहा हूं। बोलना तेरा काम क्या है भिड़ू? एक नन्नू सा काम है, तुमसे एक मर्डर करवाना है। किसका मर्डर रे? इंदिरा कॉलोनी में लॉन्ड्री वाले का कोई बेटा है। आगे बोल। उसका नाम विष्णु है, उसी को टपकाना है। उस मासूम विष्णु ने किया क्या है? गलती से उस विष्णु ने उस लड़की को पटा लिया जिससे डॉक्टर प्रकाश की शादी होने वाली थी। अब डॉक्टर प्रकाश तो इस बात से बहुत नाराज है, इसलिए डॉक्टर विष्णु को मरवाना चाहता है ताकि उस लड़की से डॉक्टर की शादी हो जाए। बस इतनी सी बात है? हाँ। इससे बड़ा काम नहीं है? छोटा सा काम है लेकिन कीमत बहुत बड़ी है, 50 लाख रुपए। क्या बोल रहा? समझ ले विष्णु चारपाई पे दुनिया से उड़ गया। सुनना भिड़ू, एक छोटा डाउट है, इस छोटे काम के लिए तूने मुझे क्यों चुना? दरअसल ये काम हमारे लेवल का नहीं है ना, इसलिए हमने तुम्हें कॉल किया। 50 तैयार रख, अपन रेडी है। आजा, आजा, आजा। चल 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 चल। कुत्तों की तरह पेट के आ गए। सब मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, लगता है लोगों के दिलों से आपका आतंक कम होता जा रहा है। वो कमीने बाहर ही खड़े हैं। मीरा, मीरा, दरवाजा खोलो मीरा, मीरा, इधर इधर,
तुम्हारी चीख की आवाज सुनी मैंने। मीरा मीरा दरवाजा खोलो। मीरा 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 दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं ड्रेस चेंज कर रही थी, ड्रेस में एक कॉकरोच निकला। ऐसा लगा जैसे किसी का खून करते हुए देख लिया। तुम भी ना, चलो दिमाग खराब कर दिया। लो वो शिकारी तो घंटों तक शिकार करते हैं, और तुम तो ऐसे शिकारी निकले जो शिकार करने शेर की गुफा में आ गया। वो मैं यहाँ मेरे कहने पर तुम आदित्य को मारने आए थे, राइट? गुड, तुम उसे यहाँ नहीं मारोगे। वैसे तुम यहाँ क्या कर? उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं, जितना कहा है बस उतना करो। अगर उसे यहाँ मारोगे तो बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत और देती हूँ, कल तक उसे मार देना। वो, नहीं तो 99162-02429। लेकिन तुम इसी पॉकेट में है ना इस नंबर का फोन? समझ गए ना? मैं समझ गया। अब जाओ यहाँ से। हेलो बेड़ा गर्ग, बोलिए। बाहर निकलते ही दाईं तरफ किचन है। इस तरफ किचन की तरफ एक और दरवाजा है। हाँ। वहीं से जाना। हाँ। कहीं और से गए तो पकड़े जाओगे। समझ गया। हुँ? अच्छी लग रही है आप। आदि मुझे खुद को मारने की सुपारी देता है, जबकि वो लड़की जो आदि के घर में रहती है वो हाँ। उसे मारने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। लाइफ में इससे बड़ा कंफ्यूजन और कुछ नहीं हो सकता। ये रुक रुक रुक, फोन बज रहा है। ये कैसा नंबर है? किसी बाराती का फोन है। भारती, हेलो। विष्णु जल्दी से अंदर आओ। घर में फंक्शन खत्म होने के बाद दीदी का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो बहुत सीरियस है, प्लीज कुछ करो। मैं चलो प्लीज। भारती जी, यही तुम्हारे फैमिली डॉक्टर है ना? आइए डॉक्टर, प्लीज जल्दी कीजिए। आइए जल्दी आइए। एक्सीडेंट की वजह से सिर्फ इसे ही नहीं, इसकी प्रेगनेंसी को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बच्चे का एक पैर बाहर आ गया है। इसके घर वाले चाहते हैं कि हम दोनों को बचा ले। देखो इसकी हालत कितनी नाजुक है। हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान तो नहीं है। ये पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ फीटस। हम क्या कर सकते हैं? इसके घर वाले कुछ नहीं समझ रहे। मैंने अपने पूरे करियर में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं देखा है। आप तो डॉक्टर है ना, आप ही बताइए क्या करें। नहीं। उन्हें समझाइए कि बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। जाइए, आप खुद बताइए। विष्णु, वो डॉक्टर कब से एक ही बात दोहराई जा रही है, प्लीज तुम कुछ करो प्लीज। कामत जी, मेरी बेटी 6 साल बाद माँ बनने जा रही है। मैंने उसे अपने पास इसलिए बुलाया था ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। मेरे बच्चे, एक तुम ही हो जो मेरी बच्ची को बचा सकते हो, उसे बचा लो, बचा लो। एक मिनट में बात करता हूँ। इधर पर सुन, तुझे आज इन्हें बताना ही होगा कि तू डॉक्टर नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर तू आज भी चुप रहा तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, और यहाँ जो कुछ भी गलत होगा सारा बिल तेरे ऊपर फटेगा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। मेरी बात मान, सच्चाई उगल दे मेरे दोस्त। डॉक्टर, व्हाट इज दिस? ये आप क्या कर रहे हैं? ये ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर नो, डोंट डू दैट। डॉक्टर रुकिए, ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर, आई कांट बिलीव दिस, आपने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर ये तो चमत्कार हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि बच्चा बच पाएगा, आपने तो उसका जीवन बचा लिया। विष्णु, विष्णु दामाद जी, मैंने कभी ईश्वर को नहीं देखा, जरूर उनका रूप तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरी बेटी को जीवन दान दिया, तुम मेरे लिए देव बनकर आए हो, मेरे सर, देवता सर, हो तुम। मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर तुम्हारा कर्जदार रहेंगे। मुझे मत रोको, तुम मेरे लिए भगवान हो। समझते क्यों नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं।
मैं तो वो लॉन्ड्री वाले का बेटा हूं। एक दिन जब मैं आपके यहां कपड़े पहुंचाने आया तो मैंने भारती को देखा और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन ये सच्चाई बताने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक लॉन्ड्री वाले का बेटा हूं। आप इसकी शादी किसी पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर से करवाना चाहते थे, इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का नाटक किया। अपने प्यार को खोने के डर से मैंने सच्चाई छुपाई। आपको मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे आपके पैर पकड़ने चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ मत कीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूं, धोखेबाज हूं। असली मर्द है तो सामने आके मिल। अबे हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। तुम मर्द ही है ना? आदि, क्या हुआ आदि? आदि बोलो ना। मुझे वो कमीना चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे 50 लाख का लालच दिया। वो जरूर उस लॉन्ड्री वाले को मारने आएगा। हमारे आदमी 9 से 12 तक उस लॉन्ड्री वाले का पीछा कर रहे हैं। मुबारक हो दोस्त, शुक्र लाभ स्थान में कुर्सी डाल के बैठा है और गुरु भाग्य स्थान में चारपाई डाल के लेट चुका है। दुख भरे दिन अपनी बकवास बंद कर। तुम तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हो, दिल के बड़े से बड़े छेद को ठीक कर देते हो, बच्चे की जान बचाकर उसका नामकरण करते हो, और तो और 13वीं मंजिल से गिरने वाले के फ्रैक्चर को ठीक करते हो, और मेरे दिल का क्या, उसे तोड़ देते हो। हाँ, कैसी लड़की है जिसने उसकी बहन को बचाया उसी को ताने मार रही है। जिस प्यार की शुरुआत ही झूठ की बुनियाद पर हो, वो प्यार सच्चा कैसे हो सकता है? जिस रिश्ते में सच्चाई ना हो, उस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होती। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। विष्णु, लगता है वो कोई डायलॉग भूल गई। हेलो, क्या सिर्फ तुम्हें एक्टिंग करनी आती है? हाँ, वैसे मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? जानना चाहोगे इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? क्या बात है, एक हीरोइन की परफॉर्मेंस ऐसी ही तो होनी चाहिए। इसे थप्पड़ मार कर तुम्हें ओवर एक्टिंग करनी थी, मगर तुमने बिना थप्पड़ मारे ही क्लास परफॉर्मेंस दी है। ये MBBS से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम मुन्ना भाई के संजय दत्त की तरह इसके दिल के वार्ड में घुस गए। मेरी बड़ी बेटी को जिंदगी देने वाले इंसान के रूप में भगवान तुम ही हो। मेरे लिए तो सच्चे डॉक्टर तुम ही हो। तुमने वो कमाल किया है बेटे, जो शायद एक डॉक्टर भी ना कर पाता। मुझे तुम पे फक्र है, तुम ही मेरे दामाद हो। मेरी बेटी को कबूल कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कबूले कबूले कबूले, मैं शहनाई और घोड़ी बुक करवा के आता हूँ। बीवी नमकीन दही है तो ससुर सही है। ठीक
लगता है इसी में वो। किसने मारा तुझे? अम्मा, तुम्हारा मतलब वो ये मास्क पहन के आया था? हाँ सर। तो तुमने उसे देखा? स्पाइडरमैन को पार्ट 1, 2, 3 तीनों देखी है थिएटर में। मैं मास्क वाले स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? यहाँ वहाँ कहीं तो देखा, देखा है मैंने उसे। कहाँ देखा है? यहाँ पर ही अपना इंद्रनगर में देखा है सर। अगर वो तुझे मारने आया था तो फिर वो भागा क्यों? एक नंबर का डरपोक है, फट्टू है। मेरा कॉलर पकड़ने गया, मैं हाथ नहीं आया। मेरे हाथ लगता ना तो एक घुसा मार के सुला डालता उसे। धोबी पछाड़ में वैसे ही मैं एक्सपर्ट हूँ। उसका लग अच्छा है कि मास्क हाथ में है और वो खुद भाग गया। फिर आपके आदमी मुझे उठाकर यहाँ ले आए। यस मां, लगी ना। अब सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। अब जाके कुछ समझ में आया। हे, उसे सामने देखकर पहचान जाएगा ना? आपका मतलब है मैं आपके घर में डेरा डालकर पार्ट टाइम रहूं ना? चलेगा? इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। अब वो बच के नहीं जा सकता। अब तुझे बनना पड़ेगा वॉचमैन। क्या कहा सर? मैं यहीं सेटल हो जाऊं? ओके, जरा ये टॉवल तो पकड़ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली मैं एक इस्त्री वाले का बेटा हूं सर, लेकिन मेरे सारे दोस्त पॉश एसी कमरे में रहते हैं। उनके साथ सोते सोते मुझे भी एसी की आदत पड़ गई। यहाँ विदाउट एसी मेरा काम नहीं बनेगा। मैं चलता हूँ सर, प्लीज। बैठाओ ना। यहाँ के बाथरूम में भी एसी है। सच में सर? गेस्ट हाउस के सारे एसी ऑन करो। एक मिनट, एक प्रॉब्लम और है। कौन सी? एसी वाला प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दिया भाई लोग। वैसे मैं बढ़ता बच्चा हूँ ना, भूख बहुत लगती है। खाने में मटन बिरयानी, चिकन पुलाव, तंदूरी नान और बेसन के लड्डू पसंद है। भले ही मैं लॉन्ड्री वाले का बेटा हूँ, लेकिन मैं शौक ऊंचे ऊंचे पालता हूँ, इसीलिए मैं चलता हूँ। अरे बैठे रहो, होटल नजदीक में ही है, जो चाहे बिंदास मंगाओ। अच्छा, इस ऑफर को लॉक किया जाए? हाँ। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, उसके लिए आपको कष्ट नहीं दूंगा। रूमाल वापस मिलेगा? वो क्या है ना सर, ये बंदा रात में इसी रूम में सोता है और दिन भर नॉनवेज खाना खाते रहता है। फिर से पकड़ेंगे? बात जरा डिटेल में समझाता हूँ आपको। पेट भरने के बाद मुझे हल्लू हल्लू कड़क मसाज करवाने की आदत है, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती है हुजूर। लेकिन आई डोंट वांट टू परेशान यू, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल्टी लेता हूँ। बोलिए सर, हमारे ये पहलवान लोग है ना, तुम्हें सॉलिड मसाज देंगे। हाँ, मसाज ही देने बोलना, गला दबा दिया तो। नैपकिन प्लीज। थैंक यू, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। बिस्तर बिछा दीजिए। इत्थे। मैं जानता था तुम आओगी। शिकारी अपना शिकार किए बिना चैन से नहीं बैठता, और तुम उसे मारने के बजाय उससे दोस्ती बढ़ाने आए हो। मैं उसे नहीं मार सकता, ये कहने आया हूँ। बेबी, तुम एक 10-20 हजार के मोबाइल के लिए मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। अगर उसे मैंने टपका डाला तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा ना, अब उनसे नहीं होगा। अपने पति को मरवाने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, पहली पैसा, या फिर तुम्हारा किसी के साथ। चाहो तो ये सीक्रेट मेरे साथ शेयर कर सकती हो। 1 करोड़ रुपए हैं तुम्हारे पति के, वो तुम्हें दे दूंगा, जो करना है करो। या जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसका एड्रेस मुझे बता दो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा, सेटिंग करवा दूंगा, मजे करो, इसको भूल जाओ, उसके बाद तुम फ्री करो याशी। आज के बाद किसी औरत से ऐसी बात मत करना, खुद पर चाहे कितने ही जुल्म क्यों ना हो जाए, एक औरत सह लेती है। लेकिन जब उसके साथ विश्वासघात हो, जब उसका पति दुनिया के सामने उसको जलील करे, तब उसके सामने और क्या रास्ता है? उसे मारकर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ, उससे पहले सुकून से मर भी नहीं सकती। आदि किसी काम से मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने आया था। कल्चरल परफॉर्मेंस में मेरा डांस देखने के बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया, ये जानते हुए भी कि आदित्य एक बदनाम डॉन है। मैंने हाँ कर दी, पर मेरी फैमिली नहीं मानी। मैं आदि के लिए सब कुछ छोड़कर आ गई।
हे। मुझे उम्मीद थी कि मेरा प्यार उसे एक अच्छा इंसान बना देगा। बड़ी रिलैक्स लग रही हो, लगता है काफी एंजॉय किया है। आज के बाद एसीपी हमें तंग नहीं करेगा। जो कुछ उस कमरे में हुआ है उसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, देखना चाहोगी? हेलो भाई, हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए पुलिस ने हमारे आदमी को अंदर कर दिया है। छी, एक नंबर के गधे हो तुम सब। कौन सा पुलिस स्टेशन? ये आदित्य यहाँ क्या करने आया है? अरे अपना इंद्रनगर का जो विष्णु है ना, उसका आज सुबह आदित्य के लड़कों के साथ झगड़ा हो गया, इसीलिए आया होगा। इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? सीधे घर चलो, वहां से फिर कहीं और जाना है। जिस दिन एसीपी ने मुझे छुआ मेरी आत्मा मर गई, लेकिन उन दोनों को मारे बिना मैं नहीं मरूंगी। मुझे पता था ये काम मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें आदि का फोन उठाते देख मुझ में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। मुझसे वादा करो कि उन राक्षसों को मार डालोगे, नहीं तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं, मरना तो उन्हें चाहिए। जो भी होता है उसके पीछे वजह होती है, शायद भगवान ने फोन उठाने के लिए मुझे ही चुना। तुम्हारी मदद वो मुझसे ही करवाना चाहता होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मोबाइल उठाते वक्त मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर तुम्हारी वीडियो है, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा यकीन करो, सच कह रहा हूं। आजकल हर लड़की अमीर लड़का चाहती है, वो प्यार से ज्यादा पैसों को इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन तुमने एक गुंडे की पत्नी बनना स्वीकार किया, उसकी बुराइयों को अपने प्यार और नेकी से सुधारने की कोशिश की। अगर आईने के ऊपर धूल जम जाए तो अपनी तस्वीर भी साफ नजर नहीं आती। इस घर के बाहर भी एक जिंदगी है, अच्छे इंसान हैं, और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं उन सबको उनके किए की सजा दूंगा, उन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा, बस तुम अपनी जान देने की बात मत करो। सबसे पहले मोबाइल से वो वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। वो सिर्फ एक वीडियो नहीं, हथियार है। हेलो साहब, मैं कल परसों तक चैनल से बोल रहा हूँ। मेरे पास आपकी सीडी है। कमाल का अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया है आपने। वो मैं नहीं हूँ। एयरटेल स्टोर से आप मुझे फोन कर रहे थे, आज आपको मैं फोन कर रहा हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तेरे पास 20 मिनट है, एक भी सेकंड ऊपर नहीं। आदि पटेल को टपका डाल, वरना मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पता है? तेरा सुपर हिट वीडियो है ना, जिसमें तूने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है, वो वायरल हो जाएगा और तू स्टार बन जाएगा रे। ये एक छोटू सा तीर था, असली मिसाइल तो मैं अब लॉन्च करूंगा। हेलो हेलो भिड़ू, तू बहुत स्मार्ट है रे। उस लॉन्ड्री वाले ने मेरा चेहरा देख लिया, इसलिए तूने उसे अपने घर पर रख लिया, ताकि वो मुझे पहचान पाए और तू एक तीर से दो शिकार कर पाए। सही पहचाना, अनस्मार्ट। अब से ठीक 10 मिनट बाद एसीपी तुझे मारने के लिए तेरे घर पर पधार रहा है, कैसा लगा ट्विस्ट? एसीपी कभी भी मुझे मारने की सोच भी नहीं सकता। क्या है? वो एसीपी मिलने आया।
अबे यार तेरी बोलती क्यों बंद हो गई बे? तेरा गेम ओवर, अब मेरा गेम शुरू। आए एसीपी। कैसी लगी मेरी मिमिक्री? तुम हमेशा किसी को अपने हाथों से शूट करना चाहते थे, तो आज तुम्हें मौका मिल ही गया। चलो तो अपने करियर की शुरुआत करो, शूट कर दो इसे। समझ लो। सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे माफ कर दो आदि, प्लीज। आदि मेरी बात सुनो। हेलो, मैं एसटीडी बूथ से बिपिन बोल रहा हूँ। फोन किस लिए किया? अब हम ये पता लगा सकते हैं कि उस दिन किसने फोन किया था। उस दिन तो तूने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एसटीडी बूथ के ठीक सामने एक एटीएम मशीन है, उसमें लगे कैमरे में 2 महीने तक की रिकॉर्डिंग सेफ रहती है। सिक्योरिटी गार्ड को कह के हम वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उस कैमरे से ये एसटीडी बूथ साफ नजर आता है सर। आप यहाँ आकर उस फोन करने वाले को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं सर। मैं इसी वक्त वहाँ पहुँच रहा हूँ। बहुत लकी है तू। उठ विष्णु। मालिक, गाड़ी में बैठ। कहाँ जाना है? बोला ना, गाड़ी में बैठ। भैया तुम यहीं रुको। मॉल के एसटीडी सेंटर से उस आदमी को किसी ने 2 बार कॉल किया है, और जिसने तुम्हें बाथरूम में मारा था उसी आदमी ने मेरा फोन चुराया है। वीडियो फुटेज में अगर वो बंदा दिख गया तो वो चोर भी पकड़ा जाएगा। ध्यान से देखकर बताओ, इसे पहचानते हो या नहीं? हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसने इसी एसटीडी बूथ से 12 तारीख को सेलफोन पर कॉल किया था। ए, इसका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर, एटीएम की छत पर एक साइन बोर्ड है जिसकी वजह से फोन बूथ का आधा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। Damn it! सर, कुछ पता चला क्या सर? ए, वो तो कोई लड़की दिखाई दे रही। थोड़ा रिवाइंड करो, शायद वहाँ उस लड़की का चेहरा दिख जाए। इस वीडियो में बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिख रहा है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर, चलिए घर चलते हैं। तू चुप कर, ए रिवाइंड करना। मैडम, अपनी चेंज तो ले लीजिए, माफ करना गिर गया। ए फ्रीज, ज़ूम इन और ज़ूम कर और ज़ूम। ए एसीपी, 1 घंटे के अंदर वो मोबाइल चोर तुम्हारे सामने होगा, देख लेना। ए, अब तू जा सकता है। दीदी। हाँ? आपके लिए फोन है। कौन है? आप कौन बोल रहे हैं? उनसे कहो कि मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। कह रहा है कि आपका भाई है। मैंने उसे कई कॉल्स किए लेकिन उसने कभी भी मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। आज अचानक उसे मेरी फिक्र क्यों होने लगी? उससे कह दो कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। हेलो, 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 मीरा से कहना कि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उनसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हेलो रवि, पापा ठीक तो है ना? मीरा, मीरा मैं विष्णु बोल रहा हूँ। एक बहुत ही बुरी खबर है मीरा। आदि को पता चल चुका है कि एसटीडी बूथ से तुमने फोन किया था। वो जानता है कि मैंने तुमसे बात की? नहीं, पर जिस आदमी के पास सेलफोन है तुम उसे जानती हो, ये बात उसे पता चल चुकी है। इसी वक्त वहाँ से निकलो, जल्दी करो। और तुम? मेरी चिंता मत करो और किसी भी तरह वहाँ से जल्दी निकल जाओ और सीधे मेरे घर की तरफ आओ। मीरा घर पर है? उनके भाई का फोन आया था, कह रहा था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, मालिक लगता है वो उन्हीं से मिलने गई है। भाई, मैं भी उससे मिलना चाहूंगा।
अर्जेंट काम है ना। गो, जहां जाना चाहती हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस इतना बता दो कौन है वो। ना सुनना मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं जानती। तुमने टेलीफोन बूथ से उसे दो बार फोन किया, मुझे जानना है कि कौन है वो। नहीं बताऊंगी। मतलब तुम उसे जानती हो पर बताना नहीं चाहती। बता दे कौन है वो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अगर मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि और बेइज्जत करूंगा। पहले तो सिर्फ एसीपी ने देखा था, अब तेरा बदन सारी पब्लिक देखेगी। देखने दो इन्हें, देखने दो। आज हर लड़की को ये सबक मिल जाएगा कि घर वालों से बगावत करके तुम जैसे दरिंदे से शादी करने का क्या अंजाम होता है। बोल चुकी। सामने मत आना। एक दिन तुम इसे जरूर मारोगे, उतना ही काफी है मेरे लिए। इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इसे तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हारा जीना जरूरी है, इस कमीने के हाथ मत आना। तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने का हक है, चले जाओ यहाँ से। ए, बता कौन है वो, बता क्या ये है वो, इससे बात कर रही थी तू? कौन है वो, कौन है ये है, बता बता। तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं, जाओ यहाँ से। ये था वो। तुम्हें मेरी कसम, कोई भी यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो शूट कर दूंगा। ये है ना वो आदमी, बोल। हे विष्णु, बिल्कुल सही मौके पर मिला तू। अब इस कुत्ते को पकड़ लूंगा मैं। विष्णु, जिसने मेरा मोबाइल चुराया और जिसने बाथरूम में तेरी धुलाई की थी, वो इस वक्त यहीं पर है और ये बता नहीं रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं विष्णु, जल्दी चल, मुझे बता कौन है वो। चलना, पहचान, गौर से देख कौन है वो। विष्णु देख, बता बता, ये था विष्णु, ये था, ये देख। कोई तुम्हें पहचाने उससे पहले चले जाओ प्लीज। ए, अब अगर तू चिल्लाए ना तो ये खींच के। ए विष्णु, बीच में मत बोल। हेलो। अरे पहले बोला ना, बीच में मत बोल। हेलो बिड़ू। देख, सही बोल रहा हूँ बिड़ू, तेरा जोकर भाई अपन के पास है बिड़ू। पैसा और चार्जर तो लाए ना बिड़ू। नमस्कार बिड़ू, फोन रख बिड़ू। तो वो तू है। करेक्ट। अगर मैं नहीं बताता तो तेरा बाप भी मुझे नहीं ढूंढ पाता, इसलिए बताया। तुझे बचाने के लिए उसने खुद को एसीपी के हवाले कर दिया और तूने उसी को सरेआम बेइज्जत किया। आज मुझे बचाने के लिए वो खुद फिर से बेइज्जत होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं गली का कुत्ता नहीं जो दम दबाकर भाग जाऊं। विष्णु, विष्णु नाम है मेरा।
क्षत्रियं जयपथभासु भावं हेरिं भगीरथ क्षत्रं तेजं रौद्रं रणकलि जय हे विष्णु सेना महाबलि विष्णुवर्धन रोषं वेषं जयपथभासु भावं हेरिं भगीरथ क्षत्रं तेजं रौद्रं रणकलि जय हे विष्णुसेना महाबलि विष्णुवर्धन रुक जा, तेरा खेल खत्म। एसीपी, सही टाइम पे आ तू, मार दे इसे। इसे मार दिया तो मोबाइल कैसे ढूंढेंगे? कहाँ है मोबाइल? अरे मोबाइल को बाद में ढूंढेंगे, पहले इसे मार। ए तो पीछे हट। चल बता, जल्दी बता मोबाइल कहाँ है? कहाँ है मोबाइल? वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। मुझे कुछ हुआ तो मोबाइल सीधे पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच जाएगा और न्यूज चैनल पर तो ब्रेकिंग न्यूज का टॉपिक बन जाएगा। क्या बोलता है बापू? तुझे सेलफोन चाहिए और मुझे आदि चाहिए। तेरे दुष्कर्म के कांड की एचडी मास्टर कॉपी मेरे पास है, मेरी टीम में आ जा। हट जा एसीपी, हट। मुझे कुछ हुआ तो मास्टर कॉपी हेडक्वार्टर पहुंचेगी। बचना चाहता है तो उसे शूट कर दे। एसीपी हट, नहीं तो तुझे भी शूट कर दूंगा। उसकी बातों में मत आ, शूट कर। हट जा एसीपी। गोली मार एसीपी। अबे ठोक डाल। ए पागल कुत्ते ने काटा, मुझे मारेगा तू? टाइम पास मत कर, शूट कर उसे। हाँ मार मार एसीपी। मुझे मारने के बाद तुझे मोबाइल मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? वो तुझे कंफ्यूज कर रहा है, इस कांड से बचना चाहता है तो ठोक डाल उसे। वो हम दोनों का दुश्मन है, उसने हमें कितना परेशान किया है, भूल गया तू? चलना गोली मार जल्दी। अबे तू मुझ पर उसके लिए गोली चलाएगा? मुझे मारने के बाद वो तुझे भी मार देगा। उसकी जान बचाने के लिए तू अपनी जान दांव पर लगा रहा है। उसकी बात मत सुन। शूट कर एसीपी। बंदर को भी फेल कर दिया, कैसे कर लेता है भाई? अच्छा? जब एक बुलेट यहाँ से और दूसरी बुलेट यहाँ से आएगी तो बीच में जो आदमी होगा ना, वो बंदर की तरह उल्टी सुल्टी गुलाटियां मार मार कर दूसरी ओर पहुंच जाएगा। यही मैंने भी किया। अच्छा, कोई इसे भी ढूंढ लो। जब दो गोली चली थी, एक गोली खाने तू नहीं आ सकता था? मित्रवर, बंदूक में कितनी भी गोली होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो मैं किस खेत की मूली हूँ भाई? जान बची। करोड़ों पाए, ससुर का कैश तेरी पॉकेट में आ है। तू उसके माल से मौज उड़ाए, जो बच जाए उसे हम चाट खाएं। मैं एक फोन का जुगाड़ कर देता हूँ। यानी इनकमिंग के साथ किसी और का फोन आ जाए तुझे।